चलिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। और देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर घटना चक्र टो सीरीज मॉडल पेपर है, एक नया, जो कि इसके पहले जब आपका पेपर हुआ था है ना, तब आई थी ये नया मॉडल पेपर घटना चक्र टो से, ठीक है ना। क्लियर है कि घड़ा का जो तस्म होता है वो क्या होता है। चलिए घड़ा का जो तस्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो आप देना है। चलिए यहाँ पर देखिए घड़ा का तस्म क्या हो जाएगा 39 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 39 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर घोटक तो होगा नहीं। अब घोटक लगाओगे तो घोड़ा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे घट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन जो आपका राइट बनेगा वो हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर घट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं कि अंगोछा किसका तद्भव है। अंगोछा, अंगोछा होता है अंग पोछा, तो आप कहेंगे सर 40 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो अंग पोछा इसका जो आंसर है वो आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा का जो आरंभ है आपके कब से हुआ था। चलिए बताना है हिंदी भाषा का जो आरंभ हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो 41 नंबर में वो कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 ईस्वी से माना जाता है। कब से मानते हैं, तो आप 1000 ईस्वी से माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। गुजरात में शिलालेख आपका जयभट्ट का शिलालेख है वहाँ से मिलता है और सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उदाहरण आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का नाम जो दिया था वो किसने दिया था। देखा जाए तो भैया ये थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का नाम दिया था। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से किल्विस का समानार्थी क्या होता है। किल्विस जानते हो, शक्तिमान किल्विस, किल्विस मतलब होता है कि भैया पाप का घड़ा है ना, बोलते हैं ना पाप, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 44 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, पाप हो जाएगा है ना, बोलते हैं अंधेरा कायम होके रहेगा। तो भैया यहाँ पर देखो किल्विस जो था वो पाप का एक प्रकार से पाप ही फैला रहा था है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा पाप। अगला है महान का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे सर महान है और महान है तो आप कहेंगे तुच्छ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वीर हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द विहंगम का अर्थ नहीं है। देखो यहाँ पर विहंग, विहंग दिया है 46 नंबर में, और यहाँ पर देखा जाए विहंग मतलब विमान हो गया, बादल हो गया, पक्षी हो गया, लेकिन विलास इसका एक अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है, सही विकल्प बताना है। कृतघ्न का अर्थ क्या, देखो कृतज्ञ और कृतघ्न में बड़ा अंतर होता है। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो यहाँ पर आपसे ना लगा दिया है, ना मतलब हो गया निगेटिव, और निगेटिव हो गया तो आपको बताना है कि एहसान फरामोश, एहसान फरामोश जिसे कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिएगा, क्योंकि देख रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत होशियार लोग भी इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। हमने कहा कृतघ्न, अगर आप अपने मन से रट्टा मारे हो तो आपको पता होगा कि कृतघ्न मतलब होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं एहसान फरामोश बोलते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है कि दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका 48 नंबर में क्या हो सकता है। तो देखिए मोरों के पंख सुंदर होता है, देखो मोरों के पंख यहाँ से गलत हो जाएगा, मोर का पंख सुंदर होता है, ये आंसर आपका देखिए सी वाला, मोर का पंख सुंदर होता है, राइट आंसर आपका सी जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही आपको शब्द पहचानना है, 49 नंबर दिया है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर त्यौहार, ये तो गलत ही है, त्यौहार होता है, त्यौहार नहीं त्यौहार, ये वाला ऑप्शन बी वाला, ठीक है, याद रखिएगा त्यौहार जो होता है ये एक मात्रा वाली जो ओ की मात्रा होती है ये सही होता है। अगला दिया है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ पर जो दिन दिया है ये आपका है क्या, दिन कैसा है ना, तो आप कहेंगे दिन तो बड़ा सुहावना है, दिन तो बड़ा अच्छा है, अर्थात यहाँ पर दिन कैसा है, तो ये आपका पुरलिंग आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है मैंने आम ले लिया है, वाक्य का अगर बहुवचन आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा, मैंने आम ले लिया है, तो आप कहेंगे सर 51 नंबर में देखा जाए तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं तो ये गलत हो जाएगा, हमने यहाँ पर दिया है, हमने दिया है, तो आप कहेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, यहाँ पर आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया कवि का सही बहुवचन क्या होता है, कवि का बहुवचन इनमें से क्या होता है यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर कवि का होता है कवि बृंद होता है, क्या होता है कवि बृंद होता है। 52 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कवि के साथ कवि बृंद लगता है, अपनी किताब में अपना सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर कवि गण नहीं लगाना है क्योंकि बुक में यहाँ पर बी नंबर दिया है जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है, अपना सुधार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रट्टा मारने वाला कोई काम नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कवि के साथ कवि बृंद का प्रयोग होता है, किताब में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत संज्ञा है ना, क्या दिया है भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। चलिए पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में से एक ही है,
और एक है अर्थात ये व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ पर आंसर 53 नंबर का ऑप्शन आपको बी लगाना है, ठीक है। भारत का व्यक्तिवाचक, क्योंकि जब एक कोई चीज़ होती है वो व्यक्तिवाचक होती है, तो भारत एक ही है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। और ये बोल देता कि भारतीयता, भारतीयता अगर बोल देता तो हम लोग बोलते कि ये भाव को दर्शा रहा है। अगला है कि वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है, 54 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया है विशेष मतलब बात हो रही है क्या, जो यहाँ पर कह सकते हो उपासक है, अर्थात उपासक क्या हो गया, यहाँ पर विशेष हो गया, और श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ हो जाएगा विशेषण, अर्थात इसकी विशेषता बताया जा रही है। अगला है इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है, सजाती क्रिया दिया है 55 नंबर में। तो भैया यहाँ दिया है जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियाँ बोलता है, राम खेलकर चला गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन आपका है। देखा जाए तो ऐसी क्रिया जिसमें सकर्मक सकर्मक क्रिया के साथ साथ धातुओं के साथ बनी भी आपकी क्रिया होती है वो होती है यहाँ पर सजाती। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपको सी लगाना है, 55 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, वह अनेक बोलियाँ बोलता है, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, सकर्मक और अकर्मक के साथ साथ अगर धातु से बनी हुई कोई भाववाचक संज्ञा के साथ होती है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। अगला है वह कविता गायन करती है वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, ये क्रिया जो आपकी है कौन सा बोध करा रही है। तो कह रहे करती है, ता है, ती है, ते हैं, तो भूत तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, वह कविता का गायन करती है, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा गया है, 57 नंबर का जवाब देना है। गलतियाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोगों ने इस मॉडल पेपर को आपने बहुत पहले से ही लगा लिया है, बहुत पहले क्या है इसके पहले आपने पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद भी अगर आपसे गलतियां होती हैं तो आप लोग धन्य हैं, है ना, आप लोग महान हैं, आप लोगों की तुलना कहीं से भी की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए देखो दिया है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कह रहा है 57 नंबर में, तो आप कहेंगे 57 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तीन होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कृत्य, कर्म और भाव। अगला दिया गया है कि दो शब्द हों या वाक्य हों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखा जाए 58 नंबर में, तो आप क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जब दो दो की बात हो रही तो ये समुच्चय हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से उपसर्ग सहित शब्द आपका कौन सा है, 59 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 59 नंबर आपसे कह रहा है, और 59 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सहित दिया है, सहित। चलिए 59 का ऑप्शन दिया है, 59 का ऑप्शन में से क्या हो सकता है, अगर हम आपसे बोले यहाँ पर अगर आपसे बोले सहित, तो इसका मतलब अगर आप लोग क्या देंगे भाई, पहले चलिए आप लोगों को देख लेते हैं 59 नंबर में बी। अच्छा अगर आप लोग 59 का बी दे रहे हैं इसका मतलब रट्टा मार के आए हैं, है ना। चलिए हम आपके 59 नंबर पर फोकस करते हैं कि ये बताइए अगर उपसर्ग सहित दिया है तो अगर माँ के साथ अगर मता बोला जाए तो यहाँ पर मता का कोई मतलब निकलेगा क्या, निकलेगा क्या मतलब, नहीं निकलेगा, यहाँ से आपका ये गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ गलत है। याद रखिए यहाँ पर प्रयोग में से अगर निकाला जाए प्रा, तो आप कहेंगे सर इसके साथ योग तो निकल रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही दिया है, प्राधन योग बनेगा, है ना। यहाँ पर देखो प्रस्ताव में दिया है तो प्रस्ताव में भी एक पूरा पूरा शब्द भी है, प्रस्ताव में क्या है पूरा पूरा शब्द है, और प्रतिमा में भी देखा जाए तो ये भी क्या है पूरा पूरा शब्द है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ममता लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है चंद्रोदय में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, 61 नंबर आपसे कह रहा है। देखो यहाँ पर हमने कहा है ओ की मात्रा दिया है, और जब ओ की मात्रा है तो आप कहेंगे सर गुण संधि है, है ना, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार आपका नहीं है, यहाँ पर 62 दिया गया है, तो आप कहेंगे विराम चिन्ह में देखो विवरण होता है, लगा होता है, निर्देशक होता है, लेकिन उपदेशक कोई होता है क्या, नहीं होता है, तो आप कहेंगे इसका आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है थोथा चना बाजे घना इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है। वेरी गुड, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर थोथा चना बाजे घना 63 नंबर आपसे कह रहा है, तो अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्प बुद्धि वाला डींग अधिक मारता है, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। दिया गया है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर कौन सा रस होता है, यहाँ पर बताना है। चलिए बताइएगा जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है, और मिलन होता है तो आप लोग तोड़ जवाब दे देंगे, है ना, पूरे जवाब आ जाएंगे, आप कहेंगे सर संयुक्त श्रृंगार इसका आंसर हो जाएगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर कौन सा व्यंजन का वक्तृत्व हुई है, आप कहेंगे माँ व्यंजन की यहाँ पर रिपीट हुआ है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर 70 नंबर का दिया है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखो हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं, ये याद रखना, हम मीठा नहीं बोलते हैं, हम सत्य और कड़वा बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति को मोड़ना है
तो उसको सत्य और कड़वा बोलिए। हो सकता है कि हमारी बात आपके दिल में लग जाए और उस दिन से आप कुछ अच्छा करने लगें। इसलिए हमेशा हम कड़वा बोलते हैं और सत्य बोलते हैं ताकि आपको चुभे हमारी बात, ठीक है ना। जब आपको जॉब लग जाएगी तो हमारी यही बात आपको मीठी लगेगा, क्योंकि जब फल मिलता है तब लोगों के यहाँ पर तारीफें होती हैं। अगला दिया गया है कि वीर रस में से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। देखो यहाँ पर आपको तीन प्रकार के गुण बताए गए, ओज रस भी है, वीर रस आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो गुण जो आपका है यहाँ पर कौन से रस में, मतलब वीर रस में कौन सा गुण होता है, 71 नंबर में आपको ओज होता है। ओज यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। ऐसे रट लीजिएगा जैसे जो बहुत ही ज्ञानी होता है उसके माथे पे ललाट में बिल्कुल ओज छलकता है, ओज मतलब एक प्रकाश रहता है, तो आप कहेंगे वीर रस में यहाँ पर ओज गुण की प्रधानता होती है। अगला है पृथ्वीराज रासु किस कवि की रचना है। पृथ्वीराजरासु किस कवि की है, 72 नंबर आपसे देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका चंद्रबरदाय इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर आपका बनेगा। अगला दिया गया है सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है युक्ति किस रचनाकार की है। अब ये देखो आपको रटना मारना पड़ेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा ये है आपकी किसकी है, तो आपकी महादेव वर्मा की। तुक्का कैसे मारेंगे, आप कहेंगे सर महादेव वर्मा सुख दुख से यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हटाया जाए तो मान सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला था, 74 नंबर ऑप्शन आपको देना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके कौवे और काला पानी, याद रखिए 74 नंबर का जो ऑप्शन है कौवे और काला पानी के लिए 1985 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार कहानी संग्रह के लिए यहाँ पर दिया गया था। अगला है भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद का जो है ये कहाँ पर है, भारतीय भाषा परिषद ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके कोलकाता में है, ठीक है, कहाँ पर है आपके कोलकाता में है। ये प्रमुख हिंदी सेवा संस्था है, 1975 में स्थापना की गई थी, तो आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है यहाँ पर बताना है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जीके में आप लोग बताइएगा भाई, जीके में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला आ गया है तिलक किस प्रकार का शब्द है, 38 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए तिलक की अगर बात करते हैं तो तिलक आपका आया है जो आपका शब्द है तत्सम है, क्या है यहाँ पर जो आंसर है ये आपका बी नंबर तत्सम शब्द आपका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है, चतुष्पदी का जो तद्भव होता है वो होता है चौपाई होता है, चौपाई होता है, याद रखिए चौपाई बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 39 नंबर में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, चलिए यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया पाली भाषा का संबंध किस साहित्य से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है, और आप कहेंगे सर ये आपके बौद्ध साहित्य से है क्योंकि बौद्ध साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपके किस में हैं, तो आपकी पाली भाषा में आपके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे 41 नंबर में, तो यहाँ पर ये थे आपके बी जी खेर, कौन थे बी जी खेर इसका आंसर हो जाएगा। बी जी खेर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो बाल गंगाधर खेर, है ना, बाल गंगाधर खेर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1955 में, कब इसका गठन जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अगला दिया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम इनमें से किसने कहा था, देखिए 42 नंबर दिया है और 42 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये जॉर्ज गियर्सन थे, कौन थे जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि भर श्याम सुंदर दास एक शब्द होता है, इन्होंने भी कालांतर से इसे स्वर्णयुग या स्वर्णकाल कहा था, याद रखिए श्याम सुंदर दास ने भी। अगला है दिए गए विकल्प में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होता है, प्रतिक्रिया मतलब देखा जाए जैसे आप लोग अगर कोई चीज़ बोलते हैं उसका हम उत्तर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी आपका है, प्रतिक्रिया मतलब हो गया प्रत्युत्तर, है ना, प्रश्न का उत्तर प्रत्युत्तर, तो आप कहेंगे सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्प में से विकिरण का विपरीत क्या होता है, विकिरण की अगर बात करते हैं जैसे क्या है फैलाव ज़्यादा है एरिया ज़्यादा है, तो आप कहेंगे इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पर एकत्र हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो वही कोई जो चीज़ होती है वो बिल्कुल पास पास में आ जाती है, तो यहाँ पर विकीर्ण और एकत्र ये क्या है दूसरे के विपरीत हो जाएगा। बाकी अगर संकीर्ण शब्द होता है तो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में संकीर्ण तो दिया नहीं गया है। अगला दिया गया है कि कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं होता है, देखिए फल के क्या अर्थ हो सकते हैं, आप कहेंगे सर फल का मतलब यहाँ पर संतान भी होगा, फल मतलब परिणाम भी होता है, फल मतलब लाभ भी होता है, लेकिन पंख नहीं होता है, याद रखिए इसका आंसर नंबर आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला है जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है 46 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 46 नंबर, चलिए 46 नंबर जवाब दीजिएगा।
आक्रांत हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना शब्द दिया है, जिस पर हमला ना किया गया हो इसका मतलब है अनाक्रांत बनेगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य आपको चयन करना है। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, या तुम इसके दाम देते जाओ, यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। चलिए 47 नंबर में तुम इसका दाम, देखो इसका दाम नहीं है क्योंकि दाम बहुवचन होता है, और जब दाम बहुवचन होता है तो आप कहेंगे तुम इसके दाम देते जाओ, ये आंसर आपका बी हो जाएगा राइट, ठीक है ना, क्योंकि बहुवचन होता है। अगला आपसे दिया गया है प्रेमचंद का जो साहित्य है वो राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत, यहाँ पर पूछा गया ये पूंजीभूत जो दिया है ना ये गलत दिया गया है, इसको सुधार करना है। पूंजीभूत जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, चलिए सभी लोग ऑप्शन दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मालूम है हमारे चैनल पर लगातार क्लासें आपको दिल मिल रही हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब तक कि आपको क्लासें ना दी गई हों, जब से पेपर आपका देखो कैंसिल हुआ था उसके बाद आज तक पूरी क्लासें आपको उसी प्रकार से मिल रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूंजीभूत देखा जाए 48 नंबर में, तो आप कहेंगे सर पूंजीभूत ये आपका बहुत गलत दिया गया है, लेकिन ये वाला पूंजीभूत सही दिया गया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 और 49 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंग दिया है, कसीदादार दिया है, जुराब है, पजामा है और घाघरा, ये तो क्वेश्चन आपने रटा होगा। ये जो जुराब शब्द दिया है वो आपके स्त्रीलिंग होगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है कि लड़के को बुलाओ इसका सामान्य बहुवचन इनमें से क्या है, यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है लड़के को बुलाओ, 50 नंबर आपसे कह रहा है लड़के को बुलाओ, तो लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ ये होना चाहिए, लड़कों को बुलाओ। अब ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। चलिए यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर आपका 50 और 50 की बात करते हैं तो लड़कों को बुलाओ ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरी गोद में बिल्ली, मेरी गोद में बिल्ली इस वाक्य में से कौन सा कारक है, 51 नंबर में मेरी गोद में बिल्ली, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चले अधिकरण में क्या दिया है, अधिकरण में कामा पर, है ना, चाहे गोद पर भी कर दीजिए, मैं भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 51 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण में कामा पर होता है तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला है शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शहर तो एक है नहीं है कि एक शहर की बात हो रही है, जब एक शहर की बात नहीं हो रही है तो आप कहेंगे सर शहर तो कई हो सकते हैं, तो आप कहेंगे शहर जो है ये जातिवाचक में बनेगा, मतलब ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है, यहाँ पर बताना है आपका 53 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 53 नंबर है और 53 की अगर बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग के होता है या स्वतंत्र होता है या पुल्लिंग, तो देखिए विशेष के अनुसार, विशेष या तो संज्ञा हो सकती है या तो सर्वनाम हो सकता है ना, क्योंकि जो संज्ञा की जगह प्रयोग कर देते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं, तो आप कहेंगे सर विशेष के अनुसार इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप आपका दिया गया है, 54 नंबर आपसे कह रहा है, तो देखो यहाँ पर हमने कहा था लिखवाता है ना, जब लिखवाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। अगला है कि उस डाली पर तोता बैठा है, यहाँ पर आपसे काल पूछा गया है 55 नंबर में, तो आप बताइएगा कि उस डाली पर तोता बैठा है, है ना, बैठा है, तो यहाँ पर बताइएगा पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है कि हम लोग क्रिया पर फोकस करें, है ना, कि राम जो उस डाली पर तोता बैठकर आम खा रहा है या आम खा रहा था, सिर्फ बैठने की बात हो रही है, तो अपूर्ण यहाँ पर लगाना उचित नहीं है, अपूर्ण यहाँ लगाना उचित नहीं है, यहाँ पर भूत नहीं लगा सकते हैं क्योंकि है शब्द लगा है, तो भूत नहीं लगाएंगे, तो एक ऑप्शन आपको लगाना है पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि बैठा है तो बैठा है, ठीक है। अगला दिया गया है कि जब किसी वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये कृतवाच्य होता है, सब मत लगा देना है, एक ही आंसर होगा, यहाँ पर आपका कृतवाच्य इसका जो आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा, कर्ता। अगला है अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय होते हैं अविकारी होते हैं, जिनमें विकार नहीं कर सकते हैं, जिनमें विकार नहीं कर सकते वे होते हैं अविकारी अर्थात अव्यय होते हैं। अगला है दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे दासत्व में से दास निकाल के बचेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि पूजा में कौन सा प्रत्यय है। चलिए 59 नंबर है, यहाँ पर बताना है पूजा में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसमें से यहाँ पर बड़ा आ निकाल लेंगे तो यहाँ पर पूज अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। बड़ा आ जो आपका ही वो प्रत्यय बनेगा। यहाँ पर अगला है सूर्योदय का सही संधिविच्छेद आपको बताना है। सूर्योदय का सही संधिविच्छेद पूछा गया है और सूर्योदय में से मात्रा कौन सी है, ओ की मात्रा है, अर्थात ये गुण संधि है, ये तो पता चल गया। अब सूर्य धन उदय बनेगा और सूर्य धन उदय जो ऑप्शन दिया गया है वो सही कौन सा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओ की मात्रा लगे तो आपको सीधा बताना है कि सर ये गुण संधि आपका है। अगला है विहान कब आया, इस वाक्य में त्रुटि बताना है। विहान कब आया, इसमें से त्रुटि क्या है, कुछ गलती है। गलती क्या है कि कब के साथ यहाँ पर प्रश्नवाचक होना चाहिए था, अर्थात गलती मिल गई है ऑप्शन नंबर आपके बी पर, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। अगला है अपने हमरे कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इस कहावत का सही अर्थ इनमें से है क्या। कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, मतलब 62 नंबर की अगर हम बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर 62 नंबर का ऑप्शन आ रहा है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान होता है ना, भगवान दूसरा रास्ता होता है। कुछ लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, तो भगवान के भरोसे नहीं, सबसे पहले आप अपना कर्म करें तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस के स्थायी भाव तो आप कहेंगे सर श्रृंगार रस का होता है रति होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं। देखो हमने बताया कुंडलियाँ में आपके 6 चरण होते हैं और 6 चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 चरण अर्थात 2 चीज़ों से मिलकर आपके बने होते हैं। 2 चीज़ों की अगर बात करते हैं दोहा और रोला, दोहा और रोला याद रखिएगा, दोहा और रोला को मिलाने से बनता है यहाँ पर आपकी कुंडलियाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा ये पूछे कि भैया इसमें से दोहा में कितनी, तो दोहा में 2 होती हैं और रोला की आपकी 4 होती हैं, तो भैया 6 कुल आपकी क्या होते हैं, चरण होते हैं, इसको भी याद रखना है। अगला दिया गया है इस करुणा करित हृदय में अविकल रागिनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है, 65 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया यहाँ पर बताना है कि आपका बेस्ट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको समझना है, क्योंकि इस करुणा कलित हृदय में या विकल रागिनी बजती है, देखो करुणा दिया है कलित दिया है, यहाँ पर जो वर्ण है 2 बार रिपीट हुआ है, जब कभी वर्ण 2 बार रिपीट होता है तो हमने कहा था आपके नाक में छेद भी 2 होते हैं, नाक में छेद 2 होते हैं तो आप कहेंगे सर 6 का आपका होता है। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर आपका होता क्या वृत्तानुप्रास, तो वृत्तानुप्रास में 3 शब्द होते हैं, जैसे मुदित मनोहर मंदिर आए, मुदित मनोहर मंदिर आए तो उसमें माँ वर्ण 3 बार हो रहा है, वो वृत्तानुप्रास होता है, याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया है आपके अलंकार में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक हमने पढ़ाया है, बेसिक वाले वीडियो देखेंगे तो आपको ही बिल्कुल आसान लगेगा। रसिक प्रिया के रचनाकार पूछा गया है 66 नंबर में, तो रसिक प्रिया आपके कौन हो जाएंगे, मतीराम तो होंगे नहीं, यहाँ पर आपकी केशव दास ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। बाकी और भी इनकी रचनाएं हैं, है ना, कवि प्रिया के साथ साथ और भी हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कबीर दास की भाषा आपकी कौन है, तो कबीर दास की भाषा यहाँ पर को कहा जाता है, कैसी कहती है भाषा, तो आप कहेंगे कबीर दास की भाषा जो थी आपकी सदुकड़ी थी, है ना, पंचमेल खिचड़ी भी आपकी है, कुछ विद्वान कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, कुछ लोग कहते हैं सदुकड़ी, है ना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार में से कौन सा जोड़ा आपका सही दिया गया है, बात किसकी हो रही है, गिरिराज किशोर की बात हो रही है, तो भैया 2.5 घर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये जो पहला पॉइंट दिया है बिल्कुल सही दिया गया है, 1992 की बात है, याद रखिए 2.5 घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिराज किशोर को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वहीं पर जो आंवा है, ये आंवा उपन्यासी मृदुला गर्ग को 2023 में ब्यास मिला था, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का आज मुख्यालय वो आपके कहाँ पर है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय पूछा गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, 70 नंबर आपसे कह रहा है, तो ये हैं आपके हेमचंद, कौन हैं, तो ये हैं आपके हेमचंद, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, चलिए 68 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, और यहाँ पर 68 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब लगभग पहले से ही सभी का आ चुका है, यहाँ पर जो आपका आंसर है 68 नंबर में वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जम्बू, क्या दिया है, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ गया है जम्बू वाला, ये आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा, जम्बू क्या है, तत्सम है। अगर हम आपसे पूछे सर जी इसका तद्भव क्या होता है,
इसका तद्भव क्या होता है तो बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। जम्बू का तद्भव होता क्या है तो आप कहेंगे सर जामुन होता है। क्या होता है? जामुन होता है। यहाँ पर अगर नाक से बोले कि नाक का तस्म नासिका होता है, यहाँ पर देखो धूर का धूलि होता है, यहाँ पर देखो जनवास दिया है, जनवास का होता है जन्यवास, ठीक है। क्या होता है? जन्यवास होता है, जन्यवास होता है, याद रखिएगा जन्यवास इसका तस्म बनता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वास ग्रह शब्द का तद्भव कौन सा है, वास ग्रह शब्द का तद्भव पूछा गया है। यहाँ पर आंसर है तो याद रखिए इसका होता है बसेरा। क्या होता है? बसेरा। हमने एक आपको बात बताया था कि भैया आपके तद्भव में ब शब्द मिलेगा, वही तत्सम में ब का परिवर्तन वा में होता है। अगर आप तुक्का लगाना चाहते तो लगा सकते थे, क्योंकि वा यहाँ पर दिया है तो इसका परिवर्तन बा में हुआ है, अर्थात बसेरा हो गया राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी की आदिजन्नी किसे कहते हैं, हिंदी की आदिजन्नी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सही करना है। तो देखो हिंदी की आदिजन्नी दिया है तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, संस्कृत को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहता हिंदी की जननी किसे कहते हैं तब क्या होता, थोड़ा क्वेश्चन में खेला हो जाता। खेला क्या हो जाता? हिंदी की जननी अपभ्रंश हो जाता। लेकिन अगर जब आपसे हिंदी की आदिजन्नी लगा दे तब आपको यहाँ पर लगाना है संस्कृत लगाना है। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी घुमा घुमा के मारता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि आपके कौन हैं। तो भैया यहाँ पर दिया है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, और ये पहले कवि कौन है यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर ये पहले कवि आपके हैं कौन है, खड़ी बोली दिया है तो आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। क्या? अमीर खुसरो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है खड़ी बोली की हो रही है ना। हिंदी के पहले कवि अगर होता तो सरायपा, लेकिन खड़ी बोली दिया है तो अमीर खुसरो है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्यकार का जो प्रथम लेखक मानते हो किसे मानते हैं। हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक जो माना जाता है वो माना जाता है आपके गरसा दत्तासी को। गरसा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया दिए गए शब्द में से गेह के समानार्थी आपके हैं क्या, गेह के समानार्थी क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके गेह के समानार्थी में यहाँ पर आपसे 73 नंबर में तम नहीं हो सकता है, यहाँ पर सभा दिया गया है गोष्ठी नहीं हो सकता है, कंचन नहीं होगा, एक बच्चा सदन भवन निकेतन, मतलब ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका स्तुति का विलोम है। स्तुति मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना है ना, जैसे हम क्लास में किसी की प्रशंसा कर लें तो बिगड़ जाता है, लेकिन अगर उसको हम क्या है डांट दें तो थोड़ा सुधर जाता है। तो आप कहेंगे स्तुति मतलब हो गया प्रशंसा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा निंदा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं होता है। देखिए कनक के अर्थ की अगर बात करते हैं तो कनक में यहाँ पर देखिए अर्थ नहीं होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, ये दो चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं जिनसे आपको आंसर मिलना है, या तो छल हो सकता है या तो खजूर हो सकता है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा है ना, फोकस ये डालिए कि भैया खजूर हम लगाएं या छल लगाएं। तो एक बात को याद रखना कि भैया कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है, धतूरा है, और अन्न भी होता है। क्या होता है? अन्न भी होता है, अन्न जो खाने की चीज़ है, और खाने की चीज़ खजूर भी है। तो एक बच्चा है यहाँ पर आंसर ए नंबर छल हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, हम सब को लेकर चलते हैं, किसी एक को लेकर नहीं चलते हैं। आपने इसके पहले पढ़ लिया है हमें मालूम है, तो आप हमें मत कहिए कि सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, क्योंकि हम सबको लेकर चलते हैं और सब कुछ बताते हुए चलते हैं। मॉडल पेपर में गलतियां होती हैं उसको भी सुधरवाते हुए चलते हैं, हवा में नहीं भगते हैं। इसलिए आपको स्पीड हमारी कम लग रही हो तो आप क्लास के बाद में पढ़ लीजिएगा है ना, स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। हमारे अनुसार हम अपनी स्पीड को बिल्कुल बराबर रखे हैं, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, है ना। क्लियर है? चलिए तो भैया जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देना है, यहाँ पर जवाब देना है। हमारी आंखें हर चैनल पे रहती हैं, कहाँ कहाँ आप लोग पढ़ के आ जाते हो हमें पता रहता है ना। चलिए जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं 76 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 76 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा अकथनीय बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी अकथनीय बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्प में से सही वाक्य आपको चुनना है। 77 ऑप्शन आपसे दिया गया है। हाँ ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ज्ञान नहीं है, इसमें नौटंकी चल रही है, ठीक है। तो कृपया करके ज्ञान वाली क्लास में पढ़ाई करें, रिकॉर्ड क्लास में ज्ञान तो मिलता नहीं है, है ना। तो आप लोग रिकॉर्ड वाली क्लास बाद में देखा करें, ठीक है। चलिए
दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपसे पूछा गया 77 में, तो आप कहेंगे तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए, नगरों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द में से उचित शब्द का चयन करना है, 78 ऑप्शन आपसे कह रहा है। तो भैया औद्योगिक जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, तो ये तो आपका गलत दिया है सरासर, ये भी गलत दिया है, औद्योगिक दिया है वो भी ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है, और भैया वह महिला बहुत विद्वान है, तो आप कहेंगे सर 79 का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर महिला विद्वान शब्द नहीं लगाएंगे, विदुषी लगाते हैं महिला के साथ, हमेशा विदुषी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कवि का सही बहुवचन क्या होता है, यहाँ पर 80 नंबर आपसे कह रहा है कि कवि का बहुवचन इनमें से होता क्या है, तो आप कहेंगे सर कवि का बहुवचन इनमें से क्या बनेगा, 80 नंबर आपको देना है, तो कवि का होता है कवि वृंद, क्या होता है कवि वृंद होता है, तो कवि वृंद है तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। किताब में तो इन्होंने बी दे दिया है, कविगण होता नहीं है, है ना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया है जो कि गलत है, कवि वृंद होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, सुधार करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पर जवाब दीजिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो का शब्द दिया है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर का जो दिया गया है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संबंध है, का की के रा री रे, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 82 नंबर में से क्या बनेगा, तो ये आपका दिया है जातिवाचक से दिया गया है व्यक्तिवाचक, इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बने जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अग्नि का विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है अग्नि का विशेषण क्या होता है, यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 83 नंबर और 83 का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखो अग्नेय शब्द जो दिया है, अग्नेय, अग्नि का विशेषण होता है अग्नेय होता है, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, चोर उठ भागा ये कह रहा है, तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर बताइएगा। तो भैया चोर उठ भागा देखे जाए 84 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पहले चोर उठा होगा तभी तो भागा होगा, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है और आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या आंसर लगाया जाए, तो आप कहेंगे सर पहले उठा है फिर भागा है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका सी पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखो वैसे देखा जाए 84 नंबर में शुद्धता क्या होना चाहिए था, शुद्धता होना चाहिए कि चोर उठ भागा इस वाक्य में जो आपकी भागना उठना है ये कैसी क्रिया है, है ना, ये अगर दे देता तो ज़्यादा शुद्ध होता, इसमें ये कहता कि पहली क्रिया कैसी है और दूसरी क्रिया कैसी है, तो ज़्यादा बेस्ट आंसर आपका हो जाता, लेकिन इसमें साफ साफ इसमें कहा नहीं गया है वैसे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला दिया गया है लता गा रही है, यहाँ पर आपसे पूछा है इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बताना है आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए लता गा रही है, देखो था शब्द तो है नहीं है, तो भूत को यहाँ से हटा देते हैं, ये भूत आपके हट गए हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल 85 नंबर दिया है, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है, चलिए भाववाच्य का उदाहरण पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए 86 नंबर दिया है और 86 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखो दिया गया है कि खाया जाता है लेकिन नहीं शब्द आपके दिया है, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि धूप में चला नहीं जाता है, है ना, क्योंकि इतनी धूप ही है तो क्या किया जाए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से विस्माद बोधक अव्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है, विस्माद बोधक आपसे दिया गया है यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर विस्माद बोधक अव्यय उदाहरण दिया है 87 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है विस्माद बोधक, वहाँ धन्य धन्य, यहाँ वहाँ या जहाँ जहाँ, क्या बनेगा। चलिए 87 नंबर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 87 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है ना, बोलते हैं धन्य हो भैया बड़े दिनों बाद क्लास में दिखाई दिए और आते ही जहर उगलने लगे, धन्य हो आप महादेव हो,
तो आप कहेंगे धन्य धन्य, यहाँ पर आंसर आपका हो गया बी नंबर हो गया है, और डैश लगाएंगे धन्य धन्य। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कहेंगे शिष्ट शब्द तो निकल रहा है, अब बचा हुआ यहाँ पर इष्ट शब्द है ता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा कह रहा है, तो भैया आध्यात्मिक एक प्रत्यय जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि आपकी कौन सी है, सन्मार्ग में कौन सी प्रयुक्त संधि है, यहाँ पर 90 ऑप्शन आपसे कह रहा है, तो भैया सन्मार्ग में से अगर आप तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो मा शब्द आया है ये व्यंजन से निकलेगा, तो विसर्ग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन, सत धन मार्ग हो जाएगा, क्या बनेगा सत धन मार्ग बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी बनेगा। अगला है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है वह कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम आपका कौन सा होगा, चलिए रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम बताना है, तो भैया उचित विराम क्या बनेगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कौमा लगाइए, इसके बाद मतलब ये हो गया अल्प विराम की संबंधी अशुद्धि आपकी है। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्प में से कोढ़ में खाज होना इस मोहरे का अर्थ इनमें से है क्या, यहाँ पर आंसर नंबर आपका राइट क्या हो सकता है कि भैया कोढ़ में खाज होना 92 नंबर है, तो भैया यहाँ पर किसी बीमार व्यक्ति ठीक ना होना नहीं होगा, दुख पर और दुख होना, कोढ़ में खाज, भैया कोढ़ तो ऑलरेडी होता है उसमें भी खुजली होने लगे, मतलब दुख में और दुख होना, जैसे कंगाली में आटा गीला होना है ना, जैसे होता है ना कंगाली में आटा गीला होना, तो वही आपका ये भी है ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला है करुण रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है, करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो करुण का क्या होता है शोक होता है, और शोक दिया है तो ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर सभी सही आ रहा है, और यहाँ पर और पूछा जाए तो और को बता ही दोगे, रति किसका है ना, यहाँ पर हास किसका है, उत्साह किसका है। अगला बताइएगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर देखिए 94 नंबर आपसे कह रहा है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, लटा अनुप्रास, यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, लटा अनुप्रास हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो वृत्तानुप्रास होता है इसमें तीन तीन आपके शब्द आपको मिलेंगे, हमने बताया भी था सुत्तानुप्रास में लास्ट में क्या होता है तुकांत शैली होती है, तुक मिलते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपका यहाँ पर आपका 100 में क्या कह रहा है, सी राम मैं सब जग जानी करहुं प्रणाम जोर जुगपानी, यह रचना किस गोस्वामी दास की कृति से आपकी ली गई है 100 नंबर में, तो ये रामचरितमानस से ली गई है, याद रखिए ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, बालकांड वही है जो कि सबसे बड़ा कांड है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर। अगला है केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यहाँ पर देखिएगा केदारनाथ सिंह दिए गए हैं, इनकी एक पुस्तक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था 1989 में, कब दिया गया था 1989 में दिया गया था, ये कविता संग्रह है। देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट हो जाएगा, यहाँ पर अकाल में सारस, क्या बनेगा अकाल में सारस के लिए 1989 में इनकी इस पुस्तक को या कविता संग्रह को पुरस्कार दिया गया था। अगला है मृच्छकटिकम किसकी रचना है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो भैया यहाँ पर मच्छर काटते हैं जो जूते मोजे होते हैं अर्थात जो शूद्रक होते हैं, मृच्छकटिकम किसकी है, तो आपकी शूद्रक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कि यह मास जो चंद्रमा की के अनुसार गिना जाता है, यहाँ पर एक स्थान मरना है कि यह मास जो चंद्रमा की क्या भरा जाए भाई, गति मलमास नहीं हो सकता है, चंद्रमास जरूर हो सकता है, रीत नहीं भर सकते हैं, यह आपका आंसर ये भर जाएगा, यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है, सही आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चित्रा मुग्धल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं एक आपने पढ़ा होगा उपन्यास है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, यह है क्या उपन्यास है, इसका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, कब मिला था तो 2018 में मिला था, याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदी की पहली बोलती फिल्म जो आपकी है वो आलम आरा है वो किस वर्ष रिलीज हुई थी, इसके पहले प्रैक्टिस सेट में आपको मिला था मूक है ना, मूक जो कि आपके हरिश्चंद्र थी, इस प्रैक्टिस सेट में आपसे मिला है बोलने वाली फिल्म,
तो भैया ये बोलने वाली फिल्म आपकी है, बोलती हुई फिल्म है ये दोस्तों, याद रखिए 14 मार्च 1931 को, कब 14 मार्च 1931 को ये रिलीज हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 67, और 67 की अगर बात करते हैं तो आप देखिए आप सभी का जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है 67 नंबर में, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्षा, है ना। वर्षा क्या है, तत्सम आपका है। और यहाँ पर देखो भ्रमर शब्द का तद्भव पूछा गया है, बताइएगा। यहाँ पर 68 नंबर दिया है और 68 में से कह रहा है कि सर भ्रमर का तद्भव रूप इनमें से क्या होता है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखा जाए भ्रमर ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है भौंरा। क्या होता है, भौंरा। भौंरा कहाँ पर दिया है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है। अगला है अभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, अभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। नया क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभ्रंश में कितने स्वर, तो आप कहेंगे सर 8, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी की प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रहरी जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। 70 नंबर ऑप्शन देना है, 70 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इनमें से क्या बनेगा, याद रखिए पुरुषोत्तम दास टंडन जिसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हीं के प्रयासों से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी 1910 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जानते हैं, अर्थात पूर्व मध्यकाल को और किस नाम से जानते हैं। तो भैया पूर्व में हमने कहा भक्ति बहुत लोग करते हैं, तो पी से प्रे, प्रे मतलब हो गया भक्ति, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल का है ना हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं, आपको बेसिक में हमने पढ़ाया है, तो बेसिक वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला है कि कोप और रोष की शब्द के समानार्थी हैं, है ना, बोलते हैं कि आपका कोप बहुत भयंकर है, आपका रोष बहुत भयंकर है, आपका गुस्सा बहुत है, आपका क्रोध बहुत भयंकर है, तो आप कहेंगे सर ये क्रोध के समानार्थी होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर बन जाएगा। अगला है इनमें से कौन शब्द उत्थान का विपरीत है, उत्थान मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा उत्कर्ष में होता है तो उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर हो गया ए नंबर हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है, केवट शब्द का अर्थ नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। देखो केवट की बात करते हैं तो केवट को धीवर कहते हैं, मल्लाह भी कहते हैं और मांझी भी कहते हैं, लेकिन निपुण नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर जवाब हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसके पास क्या होती है, आत्मशक्ति होती है, साहस में, है ना, कभी भी यहाँ पर साहस नहीं खोना चाहिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन कहते हैं, अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कौन से भैया 74 में क्या दिक्कत है, यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो केवट का अर्थ दीवर है, मल्ला है, बांझी है, तो निपुणी तो नहीं होगा ना ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, यहाँ पर दिया है निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचान करना है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध आपका कौन सा है, राम और सीता वन को गई, ये क्या बन सकता है, आप कहेंगे नहीं, है ना, राम और सीता वन को गए इसलिए गलत हो गया, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, है ना, यही आंसर आपका बी नंबर है, उसने धीमे स्वर में बताया, कहा शब्द होता है, उसने कुछ देर से उत्तर दी, ये भी गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि आपको मिली है, देखो संगम जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, तो ये जो आपकी चांद की बिंदी है होना चाहिए अंक की बिंदी, तो इसका मतलब ये है अनुनासिक, कैसा है, तो ये अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है, और जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अगला है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि भैया ऐसे जिसको स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग दोनों कह सकते, इसका मतलब हो गया उभयलिंग, तो भैया उभयलिंग हो गया, उभयलिंग में जैसे आपका प्रधानमंत्री है और आपके राष्ट्रपति हैं, ये उभयलिंग में होंगे, इनको जैसे अगर स्त्री है तो स्त्री के हिसाब से, पुरुष है तो पुरुष के हिसाब से, बाकी वैसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इनको दोनों में कर सकते हैं, इसलिए इसको उभयलिंग कहा जाता है। अगला देखो दिया गया है आने वाला क्षण, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्षण शब्द जो दिया है इसका वचन आपको बताना है, यहाँ पर 79 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो क्षण भर, तो ये क्षण जो होता है एक वचन, याद रखिए 79 को ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षण जो दिया है वो हमेशा एक वचन में नहीं, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं एक वचन में आपका होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं,
मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आपसे कर्म पूछा गया है, और अगर हम कर्म पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर में। यहाँ पर देखिएगा, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, कर्म पूछा है तो तीन तो नहीं होंगे। अब तीन अगर आप लगा दोगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर देखो, एक तो ये लड़का भी क्या हो गया, कर्म हो गया, वेद क्या हो गया, कर्म हो गया, तो 80 का ऑप्शन हो गया 80 नंबर है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? चलिए यहाँ पर बताना 81 नंबर में प्रेम क्या है। तो भैया क्रिया है क्या? नहीं है। यहाँ पर विशेषण है? नहीं है। यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है? दिल से होता है, तो प्रेम कहेंगे सर, ये आपका भाववाचक संज्ञा। आपका जो आंसर है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। आप लोगों के पास या आप लोगों के यहाँ पर मौसम सुहाना है कि नहीं है भैया? आप लोगों के पास यहाँ पर भी है मौसम सुहाना? अच्छा भैया, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए, आज काफ़ी लोग जुड़े हैं लेकिन शायद वीडियो को लाइक करने के लिए भूल ही गए हैं, है ना, खाना खा कर आए हैं और हाथ मुंह धोकर नहीं आए हैं। तो भैया एक बार जल्दी जल्दीबाजी में जितने लोग जुड़े हैं, एक बार सब लोग भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर तो बहुत कम करते हैं क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि शेयर कर देंगे तो दूसरा भी यहाँ पर आएगा और कंपटीशन फाइट करेगा। तो भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। देखो दिया है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो सुहावना क्या है? सुहावना क्या है? गुण है, क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जब गुण की बात होती है तो विशेषण होती है, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, ये कौन सी क्रिया है 83 नंबर में? तो भैया संयुक्त क्रिया, अब पढ़कर क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया, प्रार्थक या संयुक्त क्रिया क्या बनेगा? तो देखिए 83 नंबर दिया है और 83 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करेगा, तभी तो ये पहली क्रिया क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। मतलब अब पढ़कर क्या होगा, इसका मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, और ये क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये वर्तमान होते हैं, और गा रहा है मतलब क्रिया लगातार हो रही है, अर्थात ये तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि क्रिया आपकी चल रही है। अगला दिया गया है कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? रोगी चल नहीं सकता, अगर हम इसमें से बोले कि सर भाववाच्य क्या है, तो कहेंगे सर रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, मतलब ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो गया और आपका जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। अगला दिया गया है, संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द इनमें से कौन सा है? संयोग शब्द में जो उपसर्ग है और मूल शब्द आपका है वो कौन सा है? यहाँ पर आप लोग बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 86 नंबर में, वो राइट आंसर आपका बनेगा कौन है? सम धन योग बनेगा, म जो होगा वो आधक्षर होगा, तभी तो ये व्यंजन संधि में आपका आएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? नयन में प्रत्यय क्या होता है, नयन में क्या प्रत्यय बनेगा? चलिए यहाँ पर देखिए 87 नंबर दिया है और 87 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 87 नंबर को पहले तोड़ेंगे, है ना, और तोड़ेंगे तो बनेगा ने धन अन बनेगा, ने धन अन बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है 88 नंबर में? लड़ाकू में जो प्रत्यय बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो लड़ शब्द जो दिया है वो मूल शब्द है, आकू जो आपका है वो प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ पर अगला बताएगा कि यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि बनेगी? यशोदा में संधि कौन सी है? चलिए 89 को ऑप्शन देना है, तो आप कहेंगे यशोदा में देखा जाए तो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा है तो आपकी विसर्ग संधि बनेगी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर है, विसर्ग इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है इस चिन्ह को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर है 90 नंबर में वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया है ये पूर्ण विराम नहीं है, ये है आपका अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई कमाए कोई खाए, इस अर्थ को दर्शाने वाली लोकोक्ति आपकी कौन सी है? कोई कमाए कोई खाए इस अर्थ को दर्शाती है यहाँ पर लोकोक्ति। यहाँ पर देखा जाए तो भैया अंधी पीसे कुत्ता खाए, है ना, होता है अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? चलिए कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है 97 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया ये है नामवर सिंह की है, किसकी है?
ये नामवर सिंह की कहानी है, इनकी और भी कृतियां हैं। यहां पर जो आंसर आपका डी बनेगा, अगला क्वेश्चन दिया है अज्ञे कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार के लिए इनको जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा पुरस्कार मिला था, यहाँ पर बताइए इसका जो आंसर आपका बनेगा वो राइट में से क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, आंगन के पार द्वार आ गया है, और आंगन के पार द्वार की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, अति सुंदर, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 98 का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन? तो यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से सही विकल्प आपको भरना है, रिक्त स्थान आपको बताना है कि जब कंधे पर भार पड़ेगा तब भाव मालूम होगा। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि जब कंधे पर गृहस्थी है ना का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हाँ अगला बताइएगा कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था। ये क्वेश्चन को आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। आप कहेंगे सर 100 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका मैथिली भाषा के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, बाबा के नाम से जाना जाता है कवि नागार्जुन को। ठीक है, बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम पूछे तो वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला दिया गया है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। कथा सम्राट यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इन्हें धनपत राय के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? धनपत राय। ये हिंदी और उर्दू के ये आपके प्रख्यात लेखक आपके रहे, याद रखिएगा है ना। इन्होंने कलम का सिपाही और कलम का जादूगर इत्यादि नामों से इनको संबोधित भी किया गया है। अगला दिया गया है इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया है। कौन सा? भारत एक पत्र है और इसका जो संपादन किया है वो किसने किया है, तो आपके याद रखिए 102 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने भारत नामक पत्र का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। चलिए यहाँ पर दिया है गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। गवेषणा पत्रिका ये आपके आगरा से, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, आगरा में है, वहाँ से गवेषणा पत्रिका प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और पहला अंक जो आपका प्रकाशित हुआ था वो 1963 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। अगला दिया गया है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है, 104 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 104 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, मॉरिशस में है। कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है, आपके मॉरिशस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है कि भैया कौन शब्द आपका तत्सम है, वन का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर नेवला दिया है, नया है, नयन है और नब्बे है। जब आधा अक्षर दिया गया हो तो बस आपको तुक्का मार देना है ना। बताया है कि तत्सम अगर आपको नहीं आता है और आधा अक्षर आपको दिया गया है कहीं, तो बस आप लगा दीजिएगा आंसर नंबर आपका डी। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब आधा अक्षर वाला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या होता है। विद्युत का तद्भव शब्द इनमें से क्या होता है, दूसरा ऑप्शन देना है। तो विद्युत का भैया बीघा नहीं होता है, आप कहेंगे सर बिजली होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेरठ सहारनपुर बिजनौर में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी बोली क्षेत्र में यहाँ पर आता है। चलिए 3 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर मेरठ दिया है और खड़ी बोली, आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। चलिए प्रत्न के आधार पर जो ला है ये किस प्रकार की है, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर दिया है और 4 की बात करते हैं तो ला जब बोलते हैं तो जीभ आपकी पीछे से आपको आगे काती हुई प्रतीत होती है। जीभ के बगल में थोड़ी सी जगह होती है, उसको बोलते हैं पार्श्व, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा किस काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं है ना। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है और यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। और देखिए सब लोगों ने इस मॉडल पेपर को संभवतः लगा लिया होगा, और अगर आपने लगा लिया है तो भैया गलती आपसे नहीं होना चाहिए है ना, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ एक बार आप पढ़ लीजिए तो फिर उसको भी आपको आना जरूरी है ना। चलिए
तो देखिए 5 नंबर का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आधुनिक काल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, गद्य काल को किस नाम से, तो आधुनिक काल के नाम से जानते हो, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है, तिमिर कहते हैं अंधकार को कहते हैं, अंधकार दिया है ऑप्शन नंबर आपका बी, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सभी का सही है बी नंबर है, यहाँ पर अंधकार हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अति मतलब ज़्यादा होता है, वृष्ट मतलब बारिश होती है, तो आप कहेंगे जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो उसे कहते हैं अतिवृष्ट, और भैया जब कम बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो अनावृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा और सूरवीर आदि होता है, मतलब आपसे अनेकार्थी पूछ लिया है, तो भैया सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर ये जो होते हैं वो सूर्य के होते हैं, यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन बी दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा, तो भैया इसे बोलते हैं अविभाज्य, क्या बोलते हैं अविभाज्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर अगर आ रहा है ए नंबर तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो भैया मेरे को और तेरे को करते हैं अनपढ़ लोग, है ना, जो गांव से जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे और आते हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी पोंकने लगते हैं गांव में, तो भैया मेरे को और तेरे को हिंदी में प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा। ये मेरे को क्या संज्ञा है, आप कहेंगे सर ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्या है ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर मेरे को बाजार जाना है गलत दिया गया है, मुझे बाजार जाना है ये सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सही वर्तनी आपको बताना है, कि भैया सही वर्तनी क्वेश्चन नंबर आपके 11 में कौन सी है, जवाब देखिए आप लोगों के एडवांस में आ चुके हैं ना, आप लोगों के जो जवाब हैं बिल्कुल एडवांस में आ चुके हैं, यहाँ पर देखो आविष्कार जो सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आविष्कार यहाँ पर याद रखिए ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, आविष्कार ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए चारों विकल्पों में से कौन शब्द आपका पुरलिंग है, पुरलिंग की पहचान तो आप लोग जानते जानते होंगे, कैसा और कैसी से भी पता कर सकते हैं, सुबह कैसी है ना, मिर्ची कैसी है, जीरा कैसी है, जीरा कैसा है, क्या बोलेंगे जीरा कैसा है, तो ये आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मामा का बहुवचन बताना है, मामा का बहुवचन क्या होता है, तो मामा का मामी मत करिएगा क्योंकि बहुवचन पूछा गया है, और मामा का मामा ही होगा, मामा लोग नहीं हो सकता है, ठीक है, मामा का मामा ही होगा, जैसे पापा का पापा ही होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। हाँ मामा ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन पापा एक ही होंगे, तो पापा का तो पापा होगा ही होगा, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, के शब्द है करण से, मतलब यहाँ पर पब्लिक के द्वारा भी कर सकते थे, है ना, तो अधिकरण में मैं तो हुआ नहीं, कर्म हो नहीं सकता है, संप्रदान हो नहीं सकता है, तो आप तो ऑप्शन लगाइए डी नंबर करण वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है आपसे पूछा गया है, तो परिवार की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे परिवार ये आपका समूहवाचक है, क्योंकि संघ व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, भाव आपका नहीं है, यहाँ पर जातिवाचक होगा नहीं, तो आप कहेंगे सी हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर ये बोल देता पारिवारिक, है ना, पारिवारिक शब्द हो जाता तो भी भाव हो जाता। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक अधिक जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये अधिक अधिक शब्द जो दिया गया है वो किसकी विशेषता बता रहा है, तो अधिक क्या देता है, गाय देती है क्या, दूध देती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर जिसका है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान आपको उचित आपको विलोम यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर 17 नंबर में, तो देखो यहाँ पर दिया गया है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, है ना, तो क्रिया यहाँ पर कैसी है, सकर्मक क्रिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पत्र क्या है, कर्म है, और जब कर्म होता है तो भैया सकर्मक आपका हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक नहीं है भाई, अकर्मक कैसे लगा रहे हो, देखो पत्र क्या है, कर्म है, और जब कर्म मौजूद है और क्रिया भी हो रही है तो ये सकर्मक हो जाएगा। अगला दिया है संभवता हुआ लिखता हो, क्या दिया है, संभवता हुआ लिखता हो, इस वाक्य में काल पूछा गया 18 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये पूर्ण तो होगा नहीं, अपूर्ण मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे संभव दिया है, तो यहाँ पर संभवता ये संभव वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य दिया गया है, देखिए कर्मवाच्य में कुछ शब्द आपके होते हैं, जैसे द्वारा शब्द लगा होगा, और द्वारा शब्द लगा हो तो आँख मूंद कर लगा दीजिएगा, श्याम पुस्तक पढ़ेगा, फोकस हुआ है श्याम पर, इसमें कर्म है नहीं है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है ना, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई,
अब आप कहेंगे सर 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वारा शब्द लगा होता है तो याद रखिए वो कर्मवाच्य में आपका पहुंच ही जाता है। अगला आपसे कह रहा है कि उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है। उप मतलब होता है छोटा, और छोटा जो होता है वो लाइन के पहले आ जाता है अर्थात शब्द के पहले हो जाएगा, तो आप कहेंगे शब्द के पहले जो जुड़े होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि इनमें से त्रा प्रत्यय शब्द बना आपका कौन सा है। त्रा प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है। दानशील होगा नहीं, शिक्षक आपका होगा नहीं, तो आपका बचा हुआ है पितृभक्ति में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा, त्रा प्रत्यय शब्द से बना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्योंकि यही आपका बचा हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर विकल्पों में से सही संविच्छेद आपको करना है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका होगा क्या, चलिए जल्दी से बताइएगा। देखो यहाँ पर दिया है अध्यापिका, फिर यहाँ पर इकाएं कोई मतलब आपका नहीं है, ये शब्द आपका नहीं लगा, ये वाला जो ऑप्शन दिया है सी नंबर 22 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर अध्यापिकाएं, अध्यापिका के साथ ए जोड़ देंगे तो ये आपका संविच्छेद का चयन आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला दिया गया है कि निष्फल का सही संविच्छेद क्या होता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है निष्फल, ये जो सा है ना इस सा को हटाना है, और आपको बताया है कि विसर्ग संधि में रूल होता है सा सा सा, ये तीनों को हटाकर विसर्ग लगा देना है, और आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, ये हो गया आपका विसर्ग संधि। अगला है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, है ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका नैया पार करो, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये हे भगवान, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ये पॉइंट लगा है, तो अर्थात ये विस्मयाद बोधक चिन्ह जो दिया है ये इसकी कमी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का आशय क्या है। गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का आशय पूछा गया है, तो भैया गुदड़ी का लाल मतलब क्या होता है, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना ये होता है गुदड़ी का लाल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास ए, किस संत कवि की है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ये पंक्ति है किस संत कवि की, ये पंक्ति है आपकी कबीर की है, इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जितना अक्खड़ है बड़ा उतना ही क्या है भैया। छोटा जितना अक्खड़ है इसका मतलब बड़ा थोड़ा सा क्या होगा, नम्र स्वभाव का होगा, इसका मतलब ये है नम्र होगा नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही भद्र है, याद रखिए आंसर आपको बी नंबर है यहाँ पर भर देना है बी नंबर। अगला दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब आप लोग इतनी स्पीड में जवाब दे रहे हैं और सही सही जवाब दे रहे हैं, इसका रीजन क्या है बता डालिएगा कि आप लोग इतना सही जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, इसका राज क्या है ये आप लोग बताइए जल्दी से, कि इतने शुद्धता के साथ आप लोग आंसर दे रहे हैं क्या राज है, नकल वाले राज है या मेहनत वाले राज है। चलिए हाँ, तो देखो यहाँ पर कहेंगे सर अलका सरावगी को किस रचना के लिए मिला था 33 नंबर में, तो आप कहेंगे सर काली कथा जो वाया पाईपास है इसके लिए साहित्य अकादमी मिला था, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला है बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्री के रचनाकार आपके कौन है। चलिए देखो हमने आपको बताया है कि चाचा है ना भैया, चाचा और भतीजे में जान बसी होती है ना, यहाँ पर देखिए 34 नंबर में, तो आप कहेंगे सर बच्चों में बसे होते हैं चाचा के प्राण, अर्थात यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर प्राण कुमार शर्मा ये बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्री की रचनाकार आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आम के पत्ते किसकी रचना है, आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसकी रचनाकार को व्यास सम्मान भी दिया गया है। तो देखिए आम के पत्ते हैं और आम के पत्ते हैं तो दोस्तों याद रखिए रामदरस मिश्र इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखिए भैया ये भाषा पत्रिका है, इसको पहले वाले मॉडल पेपर में आपको बताया गया है, तो भैया केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बी नंबर भाषा, इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। अब देखा जाए तो 37 नंबर में, तो आप कहेंगे सर बाल बोधनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन है, कवि वचन सुधा है, ये आनंद कादम्बनी तो आपकी है नहीं है, अब ये आपकी है किसकी है, भट्ट की है, बिल्कुल सही है भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर सूर सागर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा ये सूरदास की है, किसकी है सूरदास, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है।
तत्सम शब्द का जो मूल स्रोत है वो कौन सी भाषा है। स्रोत मतलब होता है जहाँ से निकला है। तो देखा जाए तो आप कहेंगे सर वन नंबर का जो ऑप्शन होगा ये संस्कृत भाषा से है, अर्थात जो संस्कृत भाषा से शुद्ध भाषा से निकल कर आए हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारे तत्सम शब्द हैं ये शुद्ध संस्कृत के ही शब्द होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है यहाँ पर आपको बताना है। तो दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो खीर है, खीर जो आपका है वो तद्भव है। हमने आपको बताया था कि खा का परिवर्तन छा हो जाता है और अगर हम खीर को छीर कर दें तो इसका तत्सम आपका बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, बताइएगा यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। कह रहा है मथुरा, आगरा, तो मथुरा से ही पता चल रहा है कि मथुरा में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है। और अगला है कि हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है। एक बार नहीं बहुत बार बताया गया है कि भैया छा का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आएगा। याद रखिएगा का के बाद यहाँ पर छा का स्थान आता है। जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दीजिएगा। जय महाकाल, सभी को जय महाकाल। चलिए बताइए यहाँ पर बताना है जल्दी से कि भैया हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है किसे माना गया है 5 नंबर में। तो ये है आपका भारतेंदु युग है। ऑप्शन नंबर आपका अगर आ रहा है ए नंबर तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही जवाब है आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी इनमें से क्या है। उत्कंठा मतलब होता है लालसा, है ना, यहाँ पर लालसा है, अभिलाषा है। ये उत्कंठा के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं अर्थात समानार्थी होते हैं। अगला बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी इनमें से कौन है। चलिए गलत नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने इसके पहले भी टेस्ट पेपर आपने लगाया है तो आप लोगों से गलतियाँ नहीं होना चाहिए। कह रहा है उष्ण का विरुद्धार्थी क्या होता है 7 नंबर में। तो उष्ण का क्या होता है, शीत होता है। क्या होता है, शीत होता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन को हटाते हुए चलिए ना, अगर ऑप्शन को हटा देंगे तो भी तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी का अर्थ नहीं है। देखो पानी का अर्थ क्या नहीं हो सकता है, तो कहेंगे पानी का अर्थ इज्जत होता है। हमने कहा था रहमान पानी, ये एक शब्द हमने आपको पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था, मोती मानुष चून, है ना, मोती मानुष चून। तो भैया यहाँ पर देखो इज्जत भी होता है, है ना, यहाँ पर जल भी आपका होता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर कांति भी होता है, लेकिन हाथ नहीं होता है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 में से पानी का अर्थ हाथ नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, डी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है इसे सदावत कहते हैं, यथाशक्ति कहते हैं, इसको हटा दीजिएगा, है ना। रसोई में क्या खाना आपको फ्री में मिलता है, तो आप कहेंगे इसको भी हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर जो आंसर बनेगा सदावर्त, क्या बोलते हैं, सदावर्त कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, जैसे आप लोग भंडारा कहते हैं, भंडारा, ठीक है, सब लोग खाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं, हमें पढ़ने में लग रहा है कि ये आपका सेंटेंस गलत है। ये जो अशुद्धि है इसको दूर करना है और सही वाक्य आपको बनाना है। क्या सही कर दिया जाए 10 नंबर में, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। क्या पहला ही ऑप्शन सही है क्या, तो आप कहेंगे जी सर पहला ही ऑप्शन सही है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर बताना है आपका जो सही जवाब है इनमें से क्या बन सकता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया। चलिए यहाँ पर देना है इनमें से शुद्ध आपके कौन है, कवित्री है। क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये कवित्री गलत दिया है, कवित्री जो ऑप्शन है आपका डी नंबर वाला, ये कवित्री बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एकाकिनी शब्द का लिंग आपको बदलना है। एकाकिनी शब्द का लिंग अगर बदलते हैं तो यह एकाकिनी क्या है, स्त्रीलिंग है। और अगर इससे पूछे कि इसका लिंग परिवर्तन करेंगे पुरलिंग में तो इसका पुरलिंग क्या बनेगा, इसका पुरलिंग हो जाएगा एकाकी होता है। मतलब जिसका ऑप्शन आ गया है आप पर डी नंबर है तो बिल्कुल आपने सही जवाब चुना है, डी नंबर एकाकी इसका पुरलिंग बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो कि प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है। एक वचन में देखो ओठ जो आपके दिए हैं, दर्शन दिए गए हैं, वर्षा दी गई है और अक्षत दिया है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक वचन में ही प्रयोग होता है। 13 नंबर आपसे कह रहा है
तो याद रखिए हमने कहा है जो मटेरियल नाउन होता है, जो वर्षा होती है मटेरियल नाउन होता है, यह हमेशा एक वचन में ही होते हैं। बाकी ओठ दिए हैं, दर्शन दिए हैं, अक्षत दिए हैं, यह हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला है कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। ये मोदी जी ने कहा है कि भाई और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इस वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 14 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भाई और बहनों ये लिखा है संबोधन, क्या लगा है संबोधन, और संबोधन लगा है तो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका दिया भी गया है, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपसे कह रहा है कितने भेद होते हैं 15 नंबर में। तो भैया सर्वनाम के भेद होते हैं 6 होते हैं, क्या आप सभी को ये 6 भेद पता है क्या? क्या ये 6 भेद आपको पता है सर्वनाम के 6 भेद की आपने रट्टा मार लिया है? 6 भेद अगर आपको पता है तो बताइएगा कि 6 भेद कौन कौन होते हैं। हाँ अगर संख्या पूछा जाए तो आप 11 बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ पर 6 जो भेद होते हैं वो आपके कौन होते हैं बताइएगा। हाँ 6 भेद कौन कौन होते हैं, एक तो आपका पुरुषवाचक होता है ना, एक पुरुषवाचक आपका होता है, फिर यहाँ पर निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंध होता है, और एक प्रश्नवाचक होता है, तो कुल मिला के 6 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा यहाँ पर दिया है कि इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण देखो, विधेय विशेषण होता है और एक विशेष विशेषण होता है। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि आंसर इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर में, तो देखो यहाँ पर दिया है मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, ठीक है, वैराग्नि का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, यह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दे रहा है, तो 16 में देखिए विधेय विशेषण देखो यहाँ पर क्या दिया है, लड़का अर्थात ये क्या है विशेष, और विशेष के बाद आया है विशेषण, घोड़ा के बाद यहाँ पर देखो आया है काला अर्थात ये भी विशेषण, मतलब विशेष के बाद यहाँ पर विशेषण आया है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, इसका मतलब फिर जब ये आपका सही है ये भी है तो इसका मतलब ये भी होगा। अपना ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी जो आपके हैं वो सभी क्या है विधेय विशेषण आपके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सीता सोई है वाक्य में क्रिया का प्रकार पूछा गया है, यहाँ पर क्रिया का जो प्रकार है वो आपका कौन सा है। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है सीता सोई है, तो भैया ये सोई जो आपका पूर्वकालिक क्रिया है नहीं, क्योंकि दो क्रिया तो है नहीं है, तो एक ऑप्शन को हटा देते हैं, अनेकार्थक क्रिया कोई मतलब नहीं है, सकर्मक क्रिया हो नहीं सकता क्योंकि सोना क्या है अकर्मक क्रिया है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। कभी कभी आप लोग दिमाग लगाया करिए, दिमाग ये लगाया करिए कि भैया ऑप्शन को हटाइए, जब भी कभी हिंदी आपको ना आए तो ऑप्शन को हटा दिया करिए, और जब ऑप्शन हटा देंगे तो आपका जवाब बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही आपसे गलतियां होती रहेंगी, और आपने जो सोचा है कि हिंदी में हम 50 में से 45 ले आएंगे फिर आप लोग ला नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, आप लोग ऑप्शन को हटाना सीखें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है वह खाता होगा, क्या दिया वह खाता होगा आपसे कह रहा है, तो भैया यहाँ पर होगा सब दिया गया खाता होगा, तो यह सामान्य भविष्यकाल दिया है, संभाव्य भविष्यकाल दिया है, संदिग्ध भूतकाल दिया है, और संदिग्ध वर्तमान काल दिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अब आप समझिएगा कि आंसर किया जाए। सामान्य भविष्यकाल नहीं आपका है क्योंकि खाता होगा सब दिया गया है, होगा जो होता है वो संदिग्ध होता है, याद रखिएगा खाता जो आपका जो होता है क्या यहाँ पर होगा शब्द होता है ये संदिग्ध होता है, इसका मतलब संभावना को हटा देते हैं, संदिग्ध भूतकाल और वर्तमान काल, तो होगा इसका मतलब ये भूतकाल में नहीं जाएगा ये वर्तमान काल में जाएगा, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, 19 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखो कर्मवाच्य में कर्म होता है और कर्म होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा सकर्मक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्म के साथ यहाँ पर क्रिया है, और जब कर्म के साथ क्रिया होती है तो होता है सकर्मक, सा मतलब साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना हुआ है, का उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपसे पूछा गया है 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है कलाई, फिर दिया है कलाधर, फिर दिया है कपूत, फिर दिया है कंबक्त, अब आपको आंसर बताना है क्या बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, और 20 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो दिया गया कलाई, तो कलाई तो ये पूरा शब्द आपका है, कलाई तो पूरा शब्द आपका दिया गया है, ये देखो कपूत दिया है, अगर हम का हटा देंगे तो पूत शब्द का अर्थ होता है, याद रखिए आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द
एला प्रत्यय से निर्मित है, एला प्रत्यय से निर्मित है, एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो भैया देखो दिया है धकेला, अकेला, बघेला और मटैला, यहाँ पर देखो दिया गया है आय की मात्रा, और आय की मात्रा है तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प असंगत दिया गया है, असंगत दिया है क्वेश्चन नंबर आपके 22 में। चलिए 22 नंबर में कह रहा है पत्थर धनीला पथरीला, उपधनहार उपहार, अभियान दिया है हरियाली। देखो हरियाली जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपके 22 में, क्वेश्चन नंबर आप 22 में देखा है हरियाली, ये शब्द जो दिया है वो क्या हो जाएगा, हरियाली दिया है, होना चाहिए हरियाली, क्या होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, इस कारण से ये याली शब्द आपका गलत दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए का है भैया, का रिकॉर्डेड क्लास है, है? चलो यहाँ पर देखो दिया गया है यथा समय में कौन सा समास है, यथा फिर समय, यथा क्या है उपसर्ग है, और किसी भी समास में जब उपसर्ग लग जाए तो दुनिया नहीं ब्रह्मांड का कोई भी शब्द आपको मिल जाए याद रखिए उसमें से क्या होता है, 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, चलिए दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है, 24 नंबर आपसे कह रहा है, और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये योजक चिन्ह होता है, क्या होता है, योजक होता है, जैसे माता पिता भाई बहन है ना, ये सब आपके होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि रिकॉर्ड क्लास अगर लग रही है तो उनको ब्लॉक करके पता चल जाएगा कि नहीं हाँ ये लाइव क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुण के विपरीत नाम, इसका अर्थ बताना है कि गुण के विपरीत नाम, इस अर्थ को बताने वाले लोकोक्ति का चयन करना है। यहाँ पर आप कहेंगे सर आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, कि आंख का अंधा नाम नयन सुख ऑप्शन नंबर आपका बन गया, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन होता है, चलिए बताइएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन होता है, 26 नंबर लॉक करना है। तो आप कहेंगे सर हास्य का रति तो नहीं हो सकता है, निर्वेद नहीं होगा, यहाँ पर हास हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आ रहा है, यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा, क्लियर हो गया है। अच्छा ये बताइए श्रृंगार रस का क्या होता है, बताइए श्रृंगार रस का क्या होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक है मानते हैं, निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और करुण रस का होता है शोक होता है, ठीक है इतना तो आप सभी को आता है, बहुत ही होशियार लोग हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि सारंग लय सारंग चली, सारंग कही गई ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कर गई चोट, यहाँ पर अलंकार पूछा है। सारंग, सारंग दिया गया है, मतलब 27 नंबर की बात करते हैं तो आपका ये यमक अलंकार आपका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सारंग, ठीक है। सारंग के कई अर्थ होते हैं, सारंग का अर्थ मोर होता है, सारंग का अर्थ सांप होता है, सारंग का अर्थ बिजली भी होता है। यहाँ पर अगला है कि चूंकि, यहाँ पर दिया गया है चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है, देखो भैया 28 नंबर दिया है तो ये आपका जो दिया है इसलिए क्या है, इसके साथ, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य जो होता है इसलिए से शुरू होता है, कहाँ से, इसलिए शुरू होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अगला दिया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भागी, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यह किस रचनाकार की पंक्ति है, पढ़ाया गया है आप लोगों को है ना, ये तुलसीदास की है 39 नंबर, जो आपको 29 नंबर है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। कह रहा है हे भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता और पाप नहीं है, याद रखिए दूसरे की अगर भलाई कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है, और अगर दूसरे को अगर आप दुख पहुंचा रहे हैं तो इससे बड़ा नीचता और इससे बड़ा पाप कोई काम नहीं है, इसलिए दूसरे को पाप ना पहुंचाइए अपने माध्यम से, ठीक है ना, या किसी भी माध्यम से दूसरे को पाप नहीं पहुँचाना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता है उसकी आँखें, क्या बात है, तो भैया शरीर की सुंदरता क्या भरे भैया जल्दी से बताइए 30 नंबर में, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, देखो चेहरा से करेंगे तो पुल्लिंग होगा, चेहरे की सुंदरता होती है आंखें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो चेहरा पुल्लिंग है और आंखें स्त्रीलिंग है, इसका मतलब सटीक आंसर बैठ गया यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कोहरे में कैद रंग के लिए जो उपन्यास है इसके लिए जो पुरस्कार मिला था, यहाँ पर 31 नंबर का ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये नंबर कोहरे में कैद रंग उपन्यास है और 2008 याद रखिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर भी कुछ रह जाएगा एक काव्य कृति के लिए किन्हीं कौन सा पुरस्कार मिला था। फिर भी कुछ रह जाएगा 32 नंबर आपसे देना है। तो आप कहेंगे सर ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ये व्यास सम्मान दिया गया था। फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया था। अगला है भाषा, क्या दिया है, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम बताना है। भारतीय भाषा परिषद इस बार का जो पेपर आया था ना, उस पेपर में से पत्रिका से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हर एक सेट पेपर में से पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है। 33 नंबर दिया है और आप कहेंगे कि भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम है वागर्थ पत्रिका। क्या नाम है, वागर्थ पत्रिका, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वहीं पर एक होता है बहुवचन जो पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, तो अशोक वाजपेयी हैं। कौन है, तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ नारियल का तत्सम आपसे पूछा है 38 नंबर में, और 38 की बात करते हैं तो देखो नारिकेला नहीं लगाना है, याद रखिए नारिकेल होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है मंत्रकारी शब्द का तद्भव इनमें से है क्या, दिया गया है मंत्रकारी शब्द का तद्भव पूछा गया 39 नंबर में, तो मंत्रकारी का होता है जो यह मदारी आता है ना खेल दिखाने वाला मदारी, उसी का तत्सम होता है मंत्रकारी, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भैया संस्कृत किस परिवार की भाषा है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है, 40 नंबर आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर संस्कृत ये आपके आग्नेय से कोई मतलब नहीं है, ये आपके आर्य भाषा परिवार से है, 40 नंबर का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो आपके संस्कृत ही बोला करते थे, है ना, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओष्ट अल्पप्राण घोष वर्ण ये उदाहरण जो आपके हैं किसके हैं, कह रहा है ओष्ट अल्पप्राण घोष ये जो आपके हैं किसके हैं, अर्थात देखा जाए इन चार ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो ओष्ट भी होगा, अल्पप्राण भी होगा, घोष भी होगा, देखा जाए 41 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए भा जो दिया गया है नहीं होगा, बा बकरी है ना, पा फा बा जो आपका देखो अल्पप्राण भी आएगा क्योंकि तीसरे स्थान में, घोष भी आपका आएगा और ओष्ट भी आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था, हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात जो किया था वो किसने किया था। तो यहाँ पर याद रखिए ये है आपके रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है कि परभ्रत का पर्याय है, परभ्रत ये परभ्रत आपका है क्या, 43 नंबर में परभ्रत जो आपका है ये कोयल का है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कि परभ्रत जो होता है कोयल होता है, कोयल को हम लोग कई नाम से जानते हैं, कोकिल भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं, बसंत दूत भी कहते हैं, वनप्री भी कहते हैं, आंसर नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को आपको पहचानना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है 44 नंबर में, और 44 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए 44 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 44 में से देखो लभ्य का अलभ्य दिया है, शिष्ट का परिशिष्ट दिया है, क्या ये जो 44 नंबर में दिया है क्या सही है, क्या शिष्ट का परिशिष्ट जो दिया है क्या सही है, तो आप कहेंगे नहीं, शिष्ट का अशिष्ट होता है, क्या शिष्ट का अशिष्ट होता है, और जब अशिष्ट होता है तो ये ऑप्शन गलत है, शीर्ष का तल हो जाएगा, शेष का शेष हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है, चलिए बताइएगा घट शब्द का अर्थ इनमें से नहीं है, 45 नंबर आपको लॉक करना है, घट का सही अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, चल हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखा जाए तो 45 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है काफ़ी लोग दे रहे हैं, याद रखिए घट मतलब यहाँ पर मन होता है, घट का मतलब शरीर होता है, घट का मतलब घड़ा होता है, लेकिन ये जो समूह शब्द दिया है समूह नहीं होता है, याद रखिएगा समूह और नहीं होता है। अगला है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इसे क्या कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो होती है उसे क्या कहते हैं 46 नंबर में, तो 46 को ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर अभीप्सा, क्या होता है अभीप्सा कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो आपका कौन सा हो सकता है 47 नंबर में, देखिए वाह कितना घृणित, घृणित के साथ वाह लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ पर छी लगा देंगे, छी कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, यहाँ पर निसंदेश होता है, निसंदेश जो बनेगा वो किस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा निसंदेश, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है भवानी का पुरलिंग शब्द इनमें से क्या होता है, भवानी का पुरलिंग शब्द इनमें से पूछा गया है 49 नंबर में,
भवानी का पुल्लिंग इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए भवानी का पुल्लिंग दिया है 49 नंबर में, तो आप कहेंगे भवानी का होता है भव होता है, क्या होता है भव होता है, भगवान मत लगाइएगा, क्योंकि भगवती अगर होता तो हम लोग भगवान लगाते। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौ का सामान्य बहुवचन क्या होता है? गौ का सामान्य बहुवचन पूछा है, गौ का होता है गौएं, क्या होता है गौएं होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए गौओं दिया गया है, ये जो ऑप्शन है शुद्ध रूप से दिया नहीं गया है ऑप्शन में, ठीक है याद रखिएगा। गाय का होता है गायें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये कोई मतलब नहीं है, गाँव का गायों आपका है नहीं है, यहाँ पर ये जो सब दिया है ना होना यही चाहिए ऑप्शन की जगह, लेकिन ये ऑप्शन में शुद्ध लिखा नहीं गया है, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि गाँव का होता है गौएं, क्या होता है गौएं होता है, और गौएं होता है इसका मतलब है कोई ऑप्शन है नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हाईकोर्ट भेज कर आपको एक नंबर आपको दिला देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आपका आता है, ये आपसे कह रहा है। चलिए निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आता है, क्या वो नंबर आपसे कह रहा है? तो भैया अपादान दिया है जब अलग होता है, और अलग होता है तो से होता है, और से दिया है तो ऑप्शन आपका देखो डी आपका हो गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या है? मध्य पुरुष आपसे पूछा है, मध्य पुरुष में क्या होता है, मध्य पुरुष में होता है क्या 52 नंबर में, तो आप कहेंगे सर तुम होता है, तू होता है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 53 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर नाप तौल की बात होती है तो हमेशा परिमाणवाचक होता है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यथासंभव दूसरों की मदद करो, 21 प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है 54 नंबर में, तो भैया यथासंभव याद रखिए, यथासंभव ये आपका क्या है रीतिवाचक आपका है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, परिमाण बनेगा, स्थान बनेगा नहीं, काल बनेगा नहीं, तो आप कहेंगे सर एक ऑप्शन है यही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, और लेकर जब आ रहे थे इसका मतलब अभी भी आ रहे होंगे, क्रिया पूरी तो है नहीं है, और जब क्रिया पूरी नहीं है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा बी नंबर। अगला है उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, इस वाक्य में वाच्य का जो सही प्रकार बनेगा वो कौन सा बनेगा? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति सुंदर। यहाँ पर 56 नंबर दिया है, और 56 को ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो लिखा नहीं जा सकेगा, इसका मतलब है ये भाववाच्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, यहाँ पर 57 नंबर को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर तो आप दीजिएगा 57 नंबर का सही राइट आंसर क्या बनेगा, चलिए हाँ देखिए 57 नंबर में देखिए यह दिया गया है अनजान दिया गया है, यहाँ पर बिन चखा दिया है, बिन जाना दिया है, जो लापता दिया गया है 57 नंबर में जो शब्द लिया गया है लापता शब्द, ये अरबी भाषा और हिंदी के संयोग से बना एक यौगिक शब्द आता है, ला शब्द अरबी है ना, और पता आपका हिंदी है, तो इसलिए याद रखिएगा ये आपका मिक्स बना हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई 58 नंबर में, चतुराई में आपका हो जाएगा आई बनेगा, आई जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है चतुर धन आई। अगला है मनोविकार का संधि विच्छेद करना है, ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो विसर्ग लगेगा, और विसर्ग लगेगा ओ को हटाने के बाद, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया मतदाता में कौन सा समास है, मतदाता में जो समास है यहाँ पर आपका 60 नंबर में वो क्या बनेगा, मतदाता में क्या हो जाएगा, तो भैया ये बताइए मतदाता मतलब मत को देने वाला है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये तत्पुरुष समास बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अगर कोई कठिन शब्द आ जाता है उसको स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये लगा देते हैं कोष्टक, ठीक है निर्देशक होगा नहीं, उपविराम है नहीं है, विवरण शब्द इसके लिए होता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कोष्टक हो जाएगा, कठिन शब्द आ गया आपने कोष्टक लगा दिया, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, 62 नंबर में, मतलब भलाई पर भी दुष्टता है ना, बोलते ना भलाई का जमाना ही नहीं है, प्यार से बातें कर लो तो बस खोपड़ी में चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भलाई पर दुष्टता, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये बनेगा। अगला है यह देख गण मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंझार सकल है, मुझमें लय में संसार सकल है, अमृत फूलता है मुझमें संसार झूलता है मुझमें, इसमें रस पूछा गया है 63 नंबर में,
चलिए भैया 63 नंबर में ऑप्शन को हटाना शुरू करिए, है ना। अब क्या करना है, ऑप्शन को हटाना शुरू करिए। जब आपको समझ में ना आए तो ऑप्शन को हटाना शुरू कर दीजिए। देखो रौद्रस में ऐसा कोई शब्द आपसे नहीं कह रहा है कि रौद्रस इसमें से आपको दिया गया हो, गुस्सा वाली कोई बात आपसे यहाँ पर की नहीं गई है, ठीक है। जब ये नहीं की गई है तो इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पर शांत रस दिया गया है कि या देख गर्न मुझमें लय, या पवन देख मुझमें लय, विलीन संझार सकल संसार सकल, इसमें हो सकता है। वीर रस आपका नहीं हो सकता है, बस दो ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, या तो शांत या तो अद्भुत। ये जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर होगा, ये अद्भुत रस आपका है। ये बात कब की है, शांति दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचे थे और दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाह रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया था और विस्मयजनक वर्णन होने के कारण यह अद्भुत आपका है यहाँ पर आंसर भी बनेगा। अगला दिया गया है आपसे, कह रहा है चिर जोवी जीरो जिरे क्यों ना सने गंभीर को घट के वृष भानुजा वे हलधर के वीर, यहाँ पर अलंकार पूछा है। देखो वृष भानुजा के कई अर्थ होते हैं, हलधर के भी कई अर्थ होते हैं, तो ये तो आपका श्लेष है क्योंकि वृष भानुजा हम लोग इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं, हलधर के भी कई अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है कि पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है 65 नंबर में। तो यहाँ पर देखे जाए तो भैया मना है, इसका मतलब निगेटिव दिया है, निगेटिव है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला है समय सरगम सरगम उपन्यास किसकी कृति है, समय सरगम किसके है, 66 नंबर दिया है और 66 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कृष्णा सोबती की है, कृष्णा सोबती इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो कहेंगे कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं कहीं पानी खरीदा जाता है ना, कहीं जैसे आप सऊदी अरब में पानी खरीदते हैं, है ना, और कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है तो लोग उसी में डूब जाते हैं। यहाँ पर अगला है कि किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 73 नंबर में। तो भैया इन्हीं हथियारों से के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2007 में मिला था, कब 2007 में मिला था। अगला है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, चलिए मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। यूपी पुलिस के पेपर में आपने देखा होगा हर एक शिफ्ट में प्रेमचंद से क्वेश्चन जरूर आता था। 74 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर हंस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है, कौन सी कृति सूरदास की नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और आपसे कह रहा है सूरसागर सुंदर विलास साहित्य लहरी और सुरसारावली। बचा हुआ ऑप्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, सुंदर विलास जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुंदर विलास है किसकी, सुंदरदास जी की है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और 38 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तत्सम शब्द में देखा जाए तो आपका 38 नंबर में यहाँ पर जो दिया गया है आपका कौन सा भैया 38 नंबर बताइएगा। चलिए 38 नंबर में ये जो दिया गया है उद्गम, क्या दिया गया है उद्गम, ये उद्गम तत्सम आपका है, ये उद्गम जो है ये तत्सम शब्द आपका है। यहाँ पर अगर आप कहेंगे सर कोर्ट, तो कोर्ट क्या है, ये कोर्ट विदेशी भाषा से लिया गया है, क्या है ये विदेशी भाषा से आया है, जो कि अंग्रेजी भाषा से लाया गया है, जो कोर्ट आपका याद रखिए, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा उद्गम आपका है। अगला है मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, मृतिका का तद्भव पूछा गया है, मृतिका का तद्भव क्या होता है, देखते हैं हिंदी में कितने आपके सही जा रहे हैं। जीके में तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से गलती हुई है, लेकिन हिंदी में देखते हैं कितना स्कोर जाएगा। देखिए 39 नंबर है, 39 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया 39 नंबर में वो आपका भी हो जाएगा, मिट्टी होता है, भी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप कैसा है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, 40 नंबर आपसे कह रहा है और 40 का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बताना है, और याद रखिएगा 40 का ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं ए नंबर। तो भैया जिन लोगों ने जवाब ए दिया है याद रखिएगा उनका तो जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिस देश में एक ही भाषा बोली जाए। आपके भारत में हर राज्य में अलग अलग भाषा होती है, उत्तर भारत में देखेंगे हिंदी है, दक्षिण में जाएंगे कन्नड़ हो जाएगी, है ना, और पूर्वांचल में जाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगी। तो याद रखिए कि संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप कैसा, राजभाषा बोलेंगे, आपका जो जवाब बनेगा वो आपका सी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि तालव्य महाप्राण घोषवर्ण कौन है, तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और घोषवर्ण भी होना चाहिए। तालव्य की बात कर लेते हैं तो तालव्य में होता है चा वर्ग होता है, है ना, चा छा जा झा, है ना, ये होते हैं, तो भैया घा तो होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया है महाप्राण, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो ये आपका हो नहीं सकता, छा जो आपका दिया गया है ये आपका घोष नहीं होगा, ये आपका घोष दिया है।
तो भैया जब चारों ऑप्शन में से देखा गया तो भैया ऑप्शन नंबर आपका ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, तो बचा यहाँ पर क्या, झा आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ने परसर्ग जो मिलता है वो किस में मिलता है, तो याद रखिएगा आपकी खड़ी बोली में मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, खड़ी बोली में मिलता है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया, समानार्थी शब्द आपसे जोड़ा सही नहीं है, आपसे पूछा गया 43 नंबर में, इसी मॉडल पेपर में सब कुछ आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, मॉडल पेपर 9, मॉडल पेपर 10, सब आज इसी में आपको पढ़ाना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और 43 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर है। याद रखिएगा यहाँ पर कह रहा है सही नहीं है, देखो यहाँ पर दिया है कमल, कमल का दिया है अंब और अंब के बाद दिया है आब दिया गया है, और जब आब दिया है तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, ये बताना है अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, आपसे पूछा गया है 44 नंबर में। भैया जल्दी से बताइएगा 44 नंबर में। गलत नहीं करना भाई, इसको हमने आपको हिंदी की क्लास में भी पढ़ाया है, इसको दूसरे मॉडल पेपर में भी पढ़ाया है, तो गलत आपको नहीं करना है। चलिए पेन गिर गया। चलिए तो देखिए यहाँ पर 44 नंबर आ गया और 44 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाए कौन, अनुराग का विराग है, कट का मधुर है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ है, उन्नति का औन्नति होता है ना कि उन्नति होता है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, ये विकल्प सही नहीं है। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पर बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 में कह रहा है खोज का समानार्थी नहीं है, तो आप कहेंगे सर खोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अनुसंधान हो गया, जिज्ञासा हो गया, तलाश हो गया, इच्छा पूर्ति, ये खोज का कोई अर्थ नहीं होता है, इच्छा पूर्ति। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द आपका कौन सा है। पूर्व दिशा के लिए जो शब्द होता है उसे बोलते हैं प्राची, क्या बोलते हैं, प्राची बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि भैया आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए आपको बताना है, सही विकल्प आपको छांटना है, क्वेश्चन नंबर आपके 47 में से। कह रहा है तुम निसंकोच चले जाइए, तो भैया पहले तुम दे रहे हो है ना, पहले तुम कह रहे हो चले जाइए, बड़ा सम्मान दे रहे हो, यहाँ से गड़बड़ हो गया। आप निसंकोच चले जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे कोई नहीं है, खाना खाएंगे चले जाएंगे इसका कोई मतलब है नहीं। आप निसंकोच चला जाओ ये भी नहीं है, तो आप बताइए ऑप्शन एक ही बचा होगा, आप निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आंसर आप बताएंगे और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में से कि भैया यहाँ पर दिया है विद्यावाचस्पति, विद्यावाचस्पति देखिए ये तो आप शब्द गलत दिया गया है, तो इसका मतलब पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगी, बताइएगा गुणवान का स्त्रीलिंग क्या हुई, ये मिक्स कोड आपकी है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, कोड मिक्सिंग बोलते हैं सीटेट एग्जाम में। देखो यहाँ पर दिया गया है गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होता है 49 नंबर में, तो आप कहेंगे गुणवान का होता है गुणवती होता है, क्या होता है, गुणवती होता है, आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है लुटिया डुबा दिया, मतलब कह रहा है लुटिया का बहुवचन क्या है, लुटिया का बहुवचन पूछा गया है, लुटिया नहीं डुबाना है आपको। ठीक है, लुटिया का बहुवचन बताना है कि लुटिया का बहुवचन होता क्या है, तो लुटिया का होता है लुटियां होता है, क्या होता है, लुटियां होता है। याद रखिए जब भी कभी आपसे बहुवचन पूछा जाए और या लगा हो तो उसके अंत में या उसके अंत में चांद की बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए, इस वाक्य में से जो त्रुटि है उसे आपको पहचानना है। तो याद रखिए हनुमान ने संजीवनी बूटी है ना, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए, ये के लिए शब्द हट जाएगा, अर्थात जो ये जो दिया है 51 नंबर में वो गड़बड़ी है, कारक की गड़बड़ी है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा ये कारक संबंधी गड़बड़ी है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, 52 नंबर में बताइएगा। तो कोई शब्द ये प्रश्नवाचक होगा नहीं, होगा नहीं, तो आप कहेंगे कोई, हमें तो नहीं मालूम है कौन बुला रहा है,
इसका मतलब है कि एस के लिए अनिश्चय बोलते हैं, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है कोई, है ना। तो ये हो जाएगा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण आपका आंसर है सी बन जाएगा। अगला है, मेरी बहन दसवीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में दसवीं शब्द में से कौन सा विशेषण है। पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका संख्यावाची है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, ये आपसे कह रहा है। तो भैया ये जो थोड़ी सी दिया है ना, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है आपसे कह रहा है। तो भैया 54 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा थोड़ी सी, मतलब हो गया परिमाणवाचक हो जाएगा, काल बनेगा नहीं, रीति बनेगा नहीं, स्थान बनेगा नहीं, तो परिमाण हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पर अगला दिया गया है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि पढ़ैया पहले से किए होते तो एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाते। याद रखिएगा, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो जवाब है वो राइट हो जाएगा ए नंबर, हेतु मद भूतकाल, क्योंकि क्रिया हो गई है पूरी, तो इसका मतलब है ये बात हो रही है भूतकाल की। यहाँ पर अगला है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसमें से कर्मवाच्य पूछा गया 56 नंबर में। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ने घोषित किया कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ये द्वारा लगाने से ही कर्मवाच्य आपका बन गया, ऑप्शन आपका सही राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 57 नंबर आपको देना है। 57 नंबर की बात करते हैं तो प्रातःकाल में उपसर्ग आपका बन जाएगा ए नंबर, प्रातः बन जाएगा, है ना, प्रातः और इस विसर्ग और इसके बाद काल बनेगा, तो ऑप्शन ए बनेगा। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे सर बहाव में बनेगा आओ, और आओ दिया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है, आग्नेय शास्त्र का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। आग्नेयास्त्र का सही संविच्छेद इनमें से है क्या, 59 नंबर में। तो 59 नंबर का हो जाएगा आग्नेय और अस्त्र, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 59 में से ए नंबर जो आपका है वो राइट हो जाएगा। और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर या के साथ बड़ा की मात्रा है, तो भैया यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला है पुरुष, सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में समास पूछा गया, 60 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा सुपुरुष में सही आपका आंसर क्या बनेगा, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए सही जवाब, सबके जवाब देखो अलग अलग आएंगे, हमें मालूम है किसी का ए है, किसी का बी है, है ना, किसी का सी भी है, डी तो आपका नहीं आया है, है ना, और जो डी नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो सुपुरुष मतलब एक प्रकार से होता है जो अच्छा पुरुष होता है, अच्छा, और अच्छा हो गया विशेषण, पुरुष हो गया विशेष, अर्थात जिसमें विशेषण और विशेष होता है वो होता है कर्मधारय समास, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, ये बताइएगा। उपविराम आपको पता है कि नहीं पता है, अगर पता होगा तभी बता सकते हैं। देखो यहाँ पर ये तो है नहीं है योजक, ये विवरण चिन्ह है, ये अल्प विराम है, तो भैया यहाँ पर बचा ऑप्शन कौन, बी नंबर हो जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, क्योंकि तीन ऑप्शन तो हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खल की दवा पीठ की पूजा दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। 62 नंबर आपसे दिया है, और 62 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या, खल की दवा पीठ की पूजा। 62 नंबर में जो ऑप्शन है सी, दुष्ट लोग पीटने से ठीक रहते हैं, दुष्ट लोग पीटने से ठीक रहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है 63 नंबर में। तो देखिए 63 का जो सही आंसर होगा वो बोलते हैं विभाव, क्या होते हैं, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करते हैं उनको विभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 69, प्रत्येक सिखाता है कि आपस में रहो, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं जो प्रत्येक है धर्म, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस कृति के लिए अमृत लाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
अमृत लाल नागर को मिला था भैया, याद रखिए अमृत और विष के लिए, किसके लिए, अमृत और विष के लिए इनको मिला था, नोट कर लीजिएगा। और कब, तो आपके 1967 में मिला था। अगला है क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, क ख ग पत्रिका का जो प्रकाशन है कहाँ से होता था यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा ये है आपके इलाहाबाद, जो कि आपके प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मैं अपेक्षा पत्रिका के संपादक बताना है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक आपके कौन थे, 72 नंबर ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो अपेक्षा पत्रिका के हैं तेज सिंह, कौन है तेज सिंह, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है, मलिक मोहम्मद जायसी पढ़े भी होंगे आप लोगों ने अवधी भाषा, है ना, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है, इनमें से अलवार महिला संत का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा अंडाल, क्या है याद रखिए जो अंडाल है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। और इनकी जो संख्या बताई गई है वो 12 बताई गई है। अंडाल को अंडाल अथवा गोदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, अंचल किस साहित्यकार को कहा जाता है यहाँ पर बताना है, तो अंचल कहते हैं किसको कहते हैं 75 नंबर में ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल को अंचल के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात अंचल जो है वो क्या है इनका उपनाम है, ठीक है। और सुन दिया गया है पलंग का तत्सम क्या होता है, चलिए बताइएगा, हिंदी के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं और आपसे कह रहा है पलंग का तत्सम क्या होता है, बताइए भैया जल्दी से पलंग का तत्सम बता दीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो पलंग का होता है पर्यक, है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कमल दिया है, गति है, सुर है और यहाँ पर निडर दिया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका 104 नंबर का जो ऑप्शन है निडर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता भी क्या है, तो याद रखिए इसका तत्सम होता है निर्दर, क्या होता है निर्दर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या है, अब सूरदास तो भैया भगवान कृष्ण के प्रति थे आपके रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपके हो जाएंगे ब्रजभाषा से, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि मूर्धन्य कामा अल्प्राण अघोषवर्ण का उदाहरण क्या है, मूर्धा भी होना चाहिए, अल्प्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। अब यहाँ पर 106 नंबर की बात करते हैं तो भैया चा जो दिया गया है होगा नहीं, यहाँ पर देखो अघोष दिया है तो अघोष में टा ठा है ना, और साथ में अल्प्राण होता है तो अल्प्राण हो जाएगा आपका बी नंबर है जो आपका टा दिया गया है। अगला है इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, चलिए कह रहा है उदासीन आकार बहुला पूछा गया है 107 नंबर में, याद रखिए ये है आपकी बघेली, क्या है ये बघेली जो आपकी है बघेली बोली जिसका विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। अरे यार काहे हल्ला मार रहे हो, चलो मतलब हमारे कमरे में घुस के हल्ला मारने आ रहा है। चलो देखो दिया गया है कि उदासीन आकार बहुला है मतलब जो बघेली आपकी है जिसका विकास अर्धमग्धी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है गरुण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, चलिए बताना है आप आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। अरे पढ़ने आया है तो आराम से पढ़ने, अब वो हल्ला मारने की आवश्यकता है, हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा हो, तभी कहते हैं डेली क्लास लिया करिए, अब जब डेली क्लास नहीं लोगे तो हल्ला तो मारोगे। चलिए देखो दिया गया है कि गरुण का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है, यहाँ पर देखो 108 नंबर दिया और 108 की बात करते हैं तो गरुण होता है खगेश, क्या होता है खगेश होता है, खगेश इसका आंसर हो जाएगा। बाकी खगेश के और भी पर्यायवाची होते हैं, वैनते है, सरपारी है, हरियाण है, द्विजराज है, ये आपके होते हैं। अगला दिया है भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, यहाँ पर विलोम पूछा गया है अग्र का विलोम क्या होता है, चलिए बताना है अग्र का सही जवाब क्या हो जाएगा, अग्र का विलोम, तो अग्र का विलोम होता है पर्श होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। और अगला दिया गया है कि जल कामा प्राण कामा पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं, जल दिया गया है, प्राण दिया है, पुत्र दिया है और आपसे पूछा है अनेकार्थी, आपका जवाब क्या बनेगा, तो 110 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा जीवन के जुड़े हैं, जीवन है ना, जीवन जीने के लिए जल प्राण और पुत्र, यह आपका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीत ज्ञात रखने वाला, क्या दिया है नीत ज्ञात रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, इसे बोलते हैं नीतिज्ञ, क्या बोलते हैं नीतिज्ञ बोलते हैं। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो भैया मजदूरों को अनेकों प्रयोग नहीं करना है ना,
मजदूरों को अनेकों काम है नहीं बोलेंगे, हैं बोलेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, मजदूरों को अनेकों काम हैं। अगला दिया है सही वर्तनी, आपको बताना है आपसे सही वर्तनी क्या हो जाएगा। परोपकार, ये देखो परोपकार गलत दिया है, परोपकार गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, परोपकार बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द पुरलिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग पुरलिंग में कौन सा प्रयुक्त हो जाएगा, चील, विद्वान, खरगोश या चित्रकार। चित्रकार हो सकता है, चित्रकार तो कोई बन सकता है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा। अगला दिया गया है टिड्डी का बहुवचन क्या होता है, टिड्डी का या टिड्डा का जो होता है बहुवचन पूछा गया है, और टिड्डा का बहुवचन टिड्डी क्या बोलेंगे, यहाँ पर याद रखिए टिड्डी का बहुवचन जो होता है वो होता है टिड्डी दल होता है, क्या होता है, टिड्डी दल होता है, ये दल के रूप में होते हैं, झुंड में होते हैं, तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं, परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उनको परसर्ग कहा जाता है। याद रखिए आपका जो आंसर है ये हो जाएगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यूट्यूब में ज़्यादा समय दोगे तो भी आप रोज आओगे, ठीक है, इसलिए लिमिट में रहें, दो चार मॉडल पेपर आप लगा लेते हैं, दो तीन क्लासे हो जाती हैं सारा दिन में, इतना बहुत है, अब सारा दिन भगने से कोई मतलब है नहीं है। तो याद रखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम पूछा गया है, तो यहाँ पर 117 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, जैसा वैसा क्या होता है, संबंध होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, पहली बार हैं तो आपका वेलकम है, सभी का स्वागत भी है, और हमारे पुराने दोस्तों को भी यहाँ पर स्वागत है। देखो दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, जिसकी जैसी सोच वैसा है उसको समझ में भी आता है, हम अगर अच्छे के लिए समझाएंगे तो भी आपको दिमाग में कुछ उल्टा ही जाएगा, तो जैसा आपकी सोच वैसे आपको जाएगा भी। तो देखो यहाँ पर दिया है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, सच्चे किस प्रकार का है, तो 118 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हम तो कहते हैं भगवान करे तुम दिन भर यूट्यूब में ही घुसे रहो, हम तो आपको नहीं समझाएंगे, समझने वाले समझ सकते हैं, ना समझने वाले को चाहे जितना समझाओ वो नहीं समझेंगे, उनको तो लगता है कि सर जी ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो जिनको समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए, ना समझे तो कोई मतलब है नहीं है, दिन भर घुसे रहो YouTube में हमसे क्या मतलब है, ठीक है। चलो तो भैया सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, तो सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, गुणवाचक हो जाएगा। और अगला है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, और वो इसे क्या होते हैं, वो इसे चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। तो भैया जब परीक्षा का दिन आता है, परीक्षा के दिनों में दिन रात पढ़ते हैं, इसमें से दिन रात में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, 119 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे दिन रात मतलब समय को बता रहा है, समय को बता रहा है, तो आप कहेंगे सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है 120 नंबर में, तो याद रखिएगा खा लिया है अपूर्णवाद काल होगा नहीं, यहाँ पर हेतु हेतु हो नहीं है। अब यहाँ पर बात जब खाने की होती है, जब बात खाने की होती है तो क्रिया को हम लोग तुरंत का समझते हैं, क्या समझते हैं, तुरंत को समझते हैं खाने वाली बात को, ठीक है ना। देखो पूर्ण मतलब होता है कि खाना बहुत पहले खा लिया है, लेकिन जब खाने की बात होती है तब यहाँ पर आसन्य को लगाते हैं, आसन्य मतलब होता है कि क्रिया अभी अभी आपने पूरा किया है, ठीक है, आसन्य होगा। लेकिन ये हो जाता मैं आम खा चुका हूँ, और चुका हूँ इसका मतलब है कि समय ज़्यादा हो गया है, मैं खाना खा चुका हूँ इसका मतलब समय ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर पूछे मैंने आम खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो फिर आपके आसन्य हो जाता है, मतलब क्रिया होती है जो पास में, आसन्य मतलब होता है चिपका हुआ। अगला दिया गया है कि कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हों तो ऐसा वाच्य क्या होता है, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग से युक्त हों तो ऐसे वाच्य को कहा जाता है कर्मवाच्य कहते हैं, क्योंकि इसमें से कर्म भी हुआ होता है, आपका जो आंसर ए हो जाएगा। और अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित की बात करते हैं तो जिसमें उपसर्ग ना हो, देखो यहाँ पर निधन उन बनेगा, विधान में विधन धान है, उज्ज्वल है उद्धन ज्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखो त्र्यंबक है
त्र्यंबक में से अगर हम कुछ निकाल भी लेंगे तो भी गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है रहा है 122 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नी में नी बन रहा है, विधान में वी निकल रहा है, उज्ज्वल में उद बन रहा है, लेकिन त्र्यंबक में कुछ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। निकालने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला है गायक में से कौन सा प्रत्यय है, गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो गायक में होगा अक, क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा, और अक दिया है तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद पूछा गया 124 नंबर में, तो भैया त्रिपुर धन आरी बनेगा या अरी बनेगा? चलो आरी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है तो कोई सोचने वाली दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर त्रिपुर धन अरी बनेगा क्योंकि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा निकला है, तभी तो ये त्रिपुरारी बना है, तभी तो आपका आंसर ये बना है, अर्थात बड़ा की मात्रा आया है तभी तो ये दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चंद्रमुखी शब्द में से कौन सा समास है, चंद्रमुखी शब्द में समास पूछा गया है, और 125 नंबर में आप कहेंगे चंद्रमुखी है ना, मेरी चंद्रमुखी, तो भैया चांद और मुख अर्थात ये कर्मधारय समास बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अब बे तो है ही नहीं है, बबरी है नहीं है, द्विग है ही नहीं है, तो बस एक ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं, तो भैया याद रखिएगा जब कोई वाक्यांश, और वाक्यांश होता है मुहावरा जो कि अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ की ओर संकेत कर देता है तो वो होता है मुहावरा, होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कोयले की दलाली में मुँह काला इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है कौन, कोयले की दलाली में मुँह काला इसका सही अर्थ आपका है कौन है, तो आप कहेंगे बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ठीक है, कोयले की दलाली में मुँह काला, अपराधी स्वयं तो होगा नहीं, सभी वस्तु होगा नहीं, कुछ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है नहीं है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप कितने भी मन के अच्छे हों, कितने भी दिल के सच्चे हों, लेकिन अगर आपसे एक गलती हो जाए तो भी समझो आपके पीछे पड़ जाते हैं। मान लो अगर हम आपको यहाँ पर अपने चैनल पर इतनी दिनों से पढ़ा रहे हैं और अगर हमसे कोई भी गलती हो तो फिर मालूम है आप लोग हवा में उड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा बुरा काम, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। अगला है कि बंदा हुगुर पदम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा आमे मोरे चूरन चारु सकल समन भौरुज परिवारु। यहाँ पर पूछा गया छंद कौन सा है, अब यहाँ पर छंद कौन सा है, ये आपको नहीं लग रहा है कि भैया तोटक फोटक नहीं है, छप्पा यप्पा है नहीं, क्योंकि छप्पा में छह होते हैं तो यहाँ से इसको हटाइए, कुंडलिया में छह होते हैं, बिना देखे ही आंसर लगा सकते थे भैया, ये चौपाई है। अरे अब काहे हो है? चलिए अगला है तीन बेर खाती, इसमें अलंकार पूछा है, इस डॉगी को लगता है हमारी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए दूसरे चैनल में जाके पढ़ाई करेगा, ये हमारे पीछे पड़ गया है, डेली पढ़ाई तो करता नहीं है, तभी हल्ला मार रहा है, अब इसको दूसरे चैनल में समझ में आएगा। देखो दिया गया तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, तो तीन बेर और तीन बेर, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, यमक अलंकार है क्योंकि शब्द हैं, और जब शब्द हैं तो भैया ये आपके यमक अलंकार में होते हैं। अगला दिया गया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, लेकिन अब तो भैया इतनी दूर हो, हम कैसे खेल पाएंगे, ऑनलाइन ही आपको पढ़ा पाएंगे, है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, किस प्रकार का वाक्य है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, की है, तो 130 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मिश्र वक्त हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी खेलने की उम्र चली गई है, अब आप पढ़ा लीजिए, यही अच्छी बात है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि चित कोबरा के उपन्यासकार जो हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में इतना लोड हो जाता है, घर परिवार गृहस्थी का इतना भंडार हो जाता है, खेलने की तो बात छोड़िए, खेल को देखने का टाइम ही नहीं रहता है। लोग क्रिकेट को देखते हैं लेकिन लड़कियों का क्रिकेट कोई नहीं देखता है ना, तो आज के समय में सब लोग इतना बिजी हो गए हैं कि किसी के पास टाइम है नहीं है, और जो उन टाइम होता है वो मोबाइल में लगाते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो उठा उठा के देखते रहते हैं। देखो चितकोबरा के उपन्यासकार 131 है, और इसका आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग, भी आपको पढ़ाया भी था, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान आपको भरना है, विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाई, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक आपके कौन है,
भोर का तारा एकांकी के जो लेखक हैं वो आपके कौन है आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भोर का तारा, सांझ का तारा, लेकिन एकांकी पूछा गया है, ये जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसी की जो भक्ति भावना है वो किस प्रकार की है। तुलसी की जो भक्ति भावना है वो किस प्रकार की है? तो याद रखिए तुलसी जी जो थी वो दास भाव में अपने आप को दास माना करते थे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दिया गया है देवर शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है देवर शब्द का जो तत्सम है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर देवर का तत्सम होता है द्विवर। द्विवर कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्विवर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन शब्द है जो एकल का तद्भव है। एकल का तद्भव क्या होता है? तो एकल का अकेला होता है। अकेला कहाँ पर है? ऑप्शन आपका देखो सी दिया गया है। अगला है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। हिंदी भाषा जो आपकी आई है वो किस प्रकार से आई है? आपके सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आए, फिर आपकी हिंदी आई, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जब संस्कृत नहीं है तो पाली से स्टार्ट करिए, यहाँ पर आंसर आपको डी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भैया कंठ भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ की बात करते हैं तो था होगा नहीं, फा होगा नहीं, धा होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। क्यों भैया? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। काशिका है और किस क्षेत्र की बोली है आपको बताना है। तो काशिका की बात करते हैं फाइव नंबर में, तो काशिका आपकी काशी या बनारस, जो कि आपका आंसर डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इनमें से एक शब्द है नाग का समानार्थी, और नाग का समानार्थी क्या होता है? यहाँ पर नाग का समानार्थी हाथी होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिए हाथी बन जाएगा। अगला है उद्धत का विलोम बताना है। उद्धत का विलोम जो आपका है, उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धत मतलब जो होता है क्या, एक प्रकार से उद्धत को हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे भाई? चलिए उद्धत का मतलब विनत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, ये वाला आपका राइट आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कर का अनेकार्थी है। कर के देखो कई अर्थ आपके बनते हैं और कर के जो आपके कई अर्थ आपके हैं, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए उद्धत का विनित दिया है, सौम्य भी दिया है। उद्धत का देखो सौम्य भी दिया है, विनित भी दिया गया है, और आपसे पूछा विलोम पूछा गया भाई, है ना। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है उद्धत का जो विलोम होता है वो होता क्या है, बाकी और भी इसके आपने विलोम पढ़े भी होंगे, विनित भी होता है, सौम्य भी होता है। अच्छा ये विनित लिखा है, देखो यहाँ पर देखो विनत लिखा है, विनत नहीं, बाकी हमने सोचा कि टाइपिंग में गड़बड़ी हो, टाइपिंग में गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन दिया है सौम्य, तो उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य होता है। बाकी इसका विलोम क्या होता है? सौम्य के साथ साथ विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है, जो कि विनीत ये नहीं लिखा है, विनत लिखा है। हमने सोचा कि शायद गड़बड़ी लिख गई हो टाइपिंग में, तो इसलिए हमने ये बताया। बाकी यहाँ पर जब सौम्य लिखा है तो इसको आप गलत मान लीजिएगा। और यहाँ पर देखो अनुदत्त अगर होता है तो भी कर सकते थे। अगला यहाँ पर दिया है कर का अनेकार्थी समूह आपको बताना है। चलिए बताना है कर का अनेकार्थी इनमें से क्या बनेगा। आठ नंबर दिया है और आठ की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कर के अनेकार्थी होते क्या हैं। चलिए कर के अनेकार्थी देखो यहाँ पर दिया गया है हाथ दिया है, किरण दिया है और करना दिया है। ये आंसर आपका बनेगा कौन सा? आपका डी वाला बनेगा। जिसकी दो माताएँ हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी दुई माताएँ हो तो सौतेली तो हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर जी दय मातुर। क्या बोलेंगे? दय मातुर कहा जाता है। इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर जो दिया है नंबर राइट हो जाएगा। सौतेला मतलब होता है जो सौत से उत्पन्न हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए वाक्य में से सही वाक्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में दिया गया है कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। क्या ये ऑप्शन आपका सही है? यद्यपि वह बीमार था तो नहीं है, यही आंसर आपका बन जाएगा, क्योंकि यद्यपि के साथ हमेशा तथापि शब्द आपको जरूर मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 में जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी इनमें से क्या हो सकती है। शुद्ध वर्तनी देखा जाए अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। और अंतर्धान कहाँ पर दिया है? तो आप कहेंगे सर ये वाला सही है, याद रखिएगा अंतर्ध्यान मत लगाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है पुरलिंग बताना है। विदुषी आपका है, छात्रा है, पड़ोसी भैया कैसे हैं? तो कहेंगे सर जी पड़ोसी ही पुरलिंग में आपका चला जाएगा। अगला है गिर शब्द का बहुवचन क्या होता है। गिर का बहुवचन क्या होता है? गिरियाँ होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गिर का बहुवचन देखा जाए तो गिर का गिर ही होना चाहिए। क्यों भाई? गिर का जो बहुवचन है वो आपका गिर ही होना चाहिए।
बहुवचन हो, एक वचन हो, ये समान ही होते हैं। जैसे गिर है, छाया है, पानी है, क्रोध है, याचना है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है कि निम्न वाक्य में गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो भैया गरीबों को दान दो, तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया को किसके साथ है, गरीब के साथ है। और जब गरीब के साथ है तो हमने कहा जब देने की बात आई है तो संप्रदान कर देना है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या होता है। निजवाचक है, निज मतलब होता है खुद, खुद मतलब आप होता है। अगला है कि यह घोड़ा अच्छा है, तो आपकी यह शब्द क्या है, तो यह क्या बनेगा भैया, अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा घोड़ा ये क्या है, विशेष्य, और विशेष्य के पहले अगर आपका होता है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है कि जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिले भर में भाई आप कहेंगे तो जिले भर क्या रीत है, ये परिमाण है, ये काल है, तो आप कहेंगे सर ये स्थान है। यहाँ पर जिला भर हो गया तो आप कहेंगे सर ये आपके स्थान के हिसाब से आपसे बता रहा है, चाहे वो जिला कोई भी आपका हो सकता है। अगला है कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो भैया जब कदाचित लगा दिया जाता है तो याद रखिएगा यहाँ पर संभावना हो जाती है, संभव्य भविष्य काल, क्या बोलेंगे, संभव्य भविष्य काल बोलेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में से कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, उससे खाना नहीं खाया गया। छात्रा द्वारा तो है ही है, है ना, व्यक्ति द्वारा सही है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। देखिए आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो यहाँ पर बात हो गई बालक की, बात हो रही है, ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। अगला किस शब्द में से अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका डी वाले में आपका अनु निकलेगा, क्या निकलेगा, अनु निकलेगा, तो आप कहेंगे सर आंसर लॉक कर दिया जाए, यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए 21 नंबर है और 21 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर कनिष्ठ में इष्ट आपका आ जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा क्या निकलेगा, यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर वाला वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे प्रतिधन अच्छ, क्या निकलेगा, प्रतिधन अच्छ निकलेगा। बाकी हमने कहा कि या के साथ जब अदक्षर होता है कोई भी आपका हो तो आपकी यण संधि होती है, नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है मुरारी शब्द में कौन सा समास है, मुरारी में कौन सा समास है, मुरारी की समास दिया है, मुरारी किसे कहते हैं, मुरारी किसे कहते हैं आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर जी बता सकते हैं, ये बहुव्रीहि समास है। और कैसे है, तो मुरारी नामक एक राक्षस था जिसको यहाँ पर देखा जाए राक्षस का वध करने वाले को मुरा अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने मुरा नामक राक्षस जो था उसका वध किया था, तो ये आपका भगवान कृष्ण को भी कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काफूर होना इस मोहरे का सही अर्थ क्या है। काफूर होना मतलब होता है यहाँ पर भाग जाना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भाग जाना हो जाएगा। अगला दिया गया है राय का पहाड़ बनाना इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है क्या, राई का पहाड़ बनाना इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, मतलब 25 नंबर की बात करें तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद आपसे पूछा गया है, आपका जो आंसर है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, आप कहेंगे सर 16 मात्राओं वाला जो छंद होता है उसे कहते हैं क्या है 26 में, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है चौपाई, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, रोला मत लगाइएगा क्योंकि रोला में एक चरण में 24 होती हैं और इसमें चार आपकी हो जाती हैं, लेकिन 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में जिसमें से आपकी चार चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 होती हैं, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है काजल सी, है ना, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, अर्थ अलंकार का कौन सा भेद आपका झलक रहा है भैया। यहाँ पर देखिए आप आंसर तो कहेंगे सर जी यहाँ पर सी भी सब दिया है, वैसे काजल सी जो रेखा है वो कतार है कैसे खजूर की, तो ये तो सीधे सीधी बात है कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, वाक्य में से किस प्रकार का वाक्य है, तो आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, जब भी कभी ऐसी बात की जाती है ये इच्छा जताई जाती है कि मेरी इच्छा यही है कि आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, संकेत मत लगा देना, ये चीज़ें हमने आपको रटाया है तो बस रटे के हिसाब से भी रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं कि अपना दिमाग का प्रयोग करने लगें। यहाँ पर अगला दिया गया है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है,
रेशमी टाई एकांकी संग्रह है और एकांकी के लिए जाने जाते हैं राम कुमार वर्मा है, रेकांकी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1955 में से हिमतरंगड़ी के लिए यहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि रिक्त स्थान आपको भरना है कि व्यक्ति का जो गौरव है कि एकता और सुनिश्चित होते हैं। यहाँ पर 31 नंबर में कह रहा है व्यक्ति का गौरव विश्व की एकता समानता द्वारा, नहीं ये नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी के साथ, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि भैया ब्राह्मण के संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। देखो यहाँ पर दिया है ब्राह्मण के संपादक दिया है 32 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जो ऑप्शन है ए नंबर वाला वो राइट आपका आंसर ए नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है हिंदी और अंग्रेजी में जो भिन्न अर्थ होता है वो आपका होता कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका डूंगरी दिया गया है, क्या दिया गया है डूंगरी, डूंगरी ये अंग्रेजी शब्द का है और मोटा सूती कपड़ा जो होता है हिंदी में कहते हैं मोटा सूती कपड़ा। ठीक है, और अगर मतलब देखा अंग्रेजी मतलब होता है डूंगरी, डूंगरी मतलब हो गया मोटा सूती कपड़ा, और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में डूंगर या डूंगरी कहते हैं अर्थात पहाड़ी होता है, इसे पहाड़ी बोलते हैं, तो इस आंसर आपका ये बनेगा। अगला दिया है गद्यांश, भारत में धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है, पुराण है 24 अवतारों में है, भगवान बुद्ध के बारे में है, पढ़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।